तो हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजिंग बेसिक स्टोरेज, ये टॉपिक रहेगा। तो आप अपने हिसाब से बताओ कि लिनक्स में आपने कभी पार्टीशन आप लोगों ने क्रिएट किए पहले, किए होंगे, किस यूटिलिटी का यूज करके आप लोगों ने पार्टीशन क्रिएट किए? ग्राफिकली किस का मतलब आपने? ठीक है, तो देखिए जी पार्टेड का यूज हम यहाँ पे हम करेंगे, पार्टेड कमांड का यूज। जी पार्टेड आपने कोर्स में लिए, क्योंकि ग्राफिकल तो क्या है, सीधा सीधा जाओगे वहां पे पार्टीशन आपको जैसे कि विंडोज में क्रिएट करते हैं सेम यहाँ पे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, वैसे वो आपके कोर्स में है नहीं, एफडिस्क के थ्रू। एफडिस्क के थ्रू पार्टीशन भी बताऊंगा मैं आपको, जीटीस्क से कर सकते हैं, एफडिस्क से कर सकते हो आप, या पार्टेड से कर सकते हो, तीनों के थ्रू क्या कर सकते हो, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो टॉपिक जीवन में आप कभी पार्टीशन बोलोगे नहीं, इतना कह सकता हूँ मैं। जी सर, जी सर, सर मेरे को काफी देर से, यस सर, अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर, बढ़िया आ रही है, बराबर आ रही है। वो एक्चुअल में क्या था कि माइक ना थोड़ा दूर था आपका, मैंने देखा नहीं था उसको, पहले यहाँ रखा था माइक, मैंने देखा वो माइक तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने सर बोल रहा था, मेरे को भी वो आपकी मतलब माइक, इसीलिए तो वही मैं कह रहा हूँ कि बीच में ऐसे कुछ हुआ ना तो आपको थोड़ा बोल दिया करो। ठीक है सर, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना अभी ऑफलाइन पे ज्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन में दो स्टूडेंट है, ऑनलाइन में एक ही है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम काम करते हैं। चलो ऐसा कुछ नहीं है, प्रायोरिटी हमारे लिए दोनों ही है। ठीक है, चलिए देखो जी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें लेके चलूंगा यहाँ पे, पहले आपको थोड़ा नोटपैड पे समझा दूं कुछ चीजें पहले आपको मैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डिस्क की, तो डिस्क क्या होता है, डी आई एस के, डिस्क आप बताइए पहले, डिस्क क्या होता है? सर हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर है, आपने कहा हार्डवेयर, हम कह सकते हैं इट्स अ स्टोरेज डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि आपको पता है कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, या तो हार्डवेयर में क्या हो सकता है, कोई चीज इन हो सकती है, या हार्डवेयर से कोई चीज आउट हो सकती है, या हार्डवेयर से कोई चीज स्टोर हो सकती है। ठीक है, या हार्डवेयर से जैसे हमारे पास सामने स्क्रीन दिख रही है, क्या एक आउटपुट डिवाइस है, तो कोई भी डिवाइस कैसे हो सकती है, या तो इनपुट हो सकती है, इनपुट हो सकती है, आउटपुट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, कुछ भी। तो हमारे पास जो हार्डवेयर है, कैसा हार्डवेयर है, स्टोरेज करने के लिए, तो हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इट्स अ स्टोरेज डिवाइस, इट्स अ स्टोरेज मीडिया। तो मीडिया कैसा हो सकता है आपका, फिजिकल भी हो सकता है, या मीडिया कैसा हो सकता है आपका, वर्चुअल भी हो सकता है। आपको पता है कि देखिए मैं जो प्रैक्टिकल आपको जो बुक में दिए गए वो सब के सब वर्चुअल मीडिया पे कराए गए हैं, फिजिकल मीडिया पे नहीं है। फिजिकल में होगा उसके नाम अलग अलग होंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है, कौन कौन सी हार्ड डिस्क हो सकती है आपकी, एक हार्ड डिस्क होती है आपकी बेसिक, बेसिक डिस्क होता है आपका, डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क जो आपकी क्या होती है, बेसिक होती है, एस आई सी। और दूसरा कौन सा होता है आपका, डायनेमिक, सुना होगा आप लोगों ने। अब डिस्क के अंदर क्या करना है और डायनेमिक के अंदर क्या करना है, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बात करता हूं बेसिक डिस्क की। सो बेसिक डिस्क में क्या बनाओगे आप, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट है कि भाई पार्टीशन बनाना देखना हमें। तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्क आती है वो डिस्क कैसी होती है, हार्ड डिस्क, यहाँ पर डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क लेंगे हम, तो हार्ड डिस्क होती है बेसिक, या फिर क्या हो सकता है, वो डायनेमिक हो सकती है। बट हम पूरे टॉपिक में डायनेमिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पहले आरएचएल 5 में डायनेमिक वॉल्यूम बनाना बताया जाता था, आरएचएल 6 से चेंज कर दे क्योंकि एलबीएम उन्होंने ला दिया, तो जब से एलबीएम आ गया हम ये वाला यूज नहीं करते। वैसे तो क्या होता है, रेड वॉल्यूम जो बनाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ता है रेड वॉल्यूम बनाने के लिए। बट यहाँ पे हम जो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, एलबीएम के थ्रू भी उसमें एक फंक्शन होता है रेड वॉल्यूम का, वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम केवल बात करेंगे किसकी, बेसिक डिस्क की बात करेंगे। तो बेसिक डिस्क में बनते हैं पार्टीशन, और पार्टीशन आप कितने बना सकते हो अनुराग, कितने बना सकते हैं पार्टीशन एक हार्ड डिस्क के अंदर, बताइए।
कितने पार्टीशन बना सकते हो इतना बताओ, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, तीन पार्टीशन, चार पार्टीशन, कितने बना सकते हैं? कितने आप बताओ? बिल्कुल सही है। तो केवल हमारा जो MBR होता है कितने पार्टीशन सपोर्ट करता है? केवल चार पार्टीशन। अगर GPT होगा तो, अगर मैं MBR की बात करता हूँ, करेगा कितने? हाँ बिल्कुल, आपको याद है अभी, बिल्कुल गुड। तो 128 पार्टीशन बना सकते हैं किसके अंदर? GPT के अंदर। अब कहा कि सर हम केवल चार पार्टीशन यूज तो नहीं करते, हमने तो देखा कि बहुत सारे पार्टीशन होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चार प्राइमरी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? प्राइमरी। अगर आप चाहो तो क्या बना लो, एक एक्सटेंडेड बना लो। उस एक्सटेंडेड के अंदर कितने बना सकते हो? 11 लॉजिकल बना सकते हो। 11 क्या बना सकते हो? लॉजिकल ड्राइव बना सकते हो उसमें। तो सबसे पहले देखा जाए तो 11 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए पार्टीशन आपके? 15 हो गए। MBR में भी हम कितने बना सकते हैं? देखा जाए तो 15 पार्टीशन बना सकते हैं इसके MBR के अंदर भी, ठीक है। बट GPT के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। GPT में जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक्सटेंडेड या लॉजिकल ड्राइव का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये सबके सब क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक डिस्क में क्या बनेंगे? पार्टीशन। अगर आपने MBR के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डिस्क होती है वो MBR के थ्रू ही फॉर्मेट होती है, FDisk के थ्रू। और जब हम पार्टेड से करते हैं तो हमें बताना पड़ता है, लेबल डिफाइन करना पड़ता है कि MBR लोगे GPT लोगे, वो अपने आप नहीं लेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इसमें तो MBR ले सकते हो या फिर आप GPT ले सकते हो, ठीक है। तो चार प्राइमरी पार्टीशन बन जाएंगे आपके, और एक्सटेंडेड पार्टीशन एक बनेगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन कितने बनेंगे आपके? एक। उस एक के अंदर क्या बना सकते हो? 11 लॉजिकल। तो तीन तो क्या हो गया? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? तीन प्राइमरी बनाइए, एक एक्सटेंडेड, तो कितना हो गया आपका? चार हो गए। चार के चार आपके पूरे हो गए आपके। उसके बाद आप इसमें 11 क्या कर लीजिए? लॉजिकल ड्राइव्स बना लीजिए। तो लॉजिकल ड्राइव्स होते हैं आपके, ठीक है। और 128 GPT में पार्टीशन जो बनेंगे वो सबके सब प्राइमरी होंगे, उसमें कोई एक्सटेंडेड या लॉजिकल ड्राइव जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, पहली चीज। तो ये पहला क्लियर हो गया। अगर मैं किसकी बात करता हूं? डायनेमिक की बात करता हूं, डायनेमिक डिस्क की। अगर मैं डायनेमिक डिस्क की बात करता हूं तो इसमें वॉल्यूम्स बनते हैं। क्या बनते हैं इसके अंदर? वॉल्यूम्स बनते हैं। वॉल्यूम्स कितने टाइप के होते हैं अभिषेक, आप बताओ? वॉल्यूम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? लॉजिकल वॉल्यूम होता है सर? हाँ नहीं, लॉजिकल वॉल्यूम वो तो होता है, मैं डायनेमिक की बात कर दूं तो वो तो बेसिक की बात हो गई। अच्छा सर, रेड रेड कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, आप सही समझे। एक तो आपने नाम ले लिया रेड वॉल्यूम, हाँ। दूसरा वॉल्यूम का नाम बताओ। एक होता है मिरर, मिरर वॉल्यूम, एक कौन सा है और बताओ? सिंपल, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है स्पैंड, SPA NNED स्पैंड। उसके बाद होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप। उसके बाद आता है मिरर, उसके लास्ट में आता है रेड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल वॉल्यूम होता है, उसके बाद हम जैसे बनाते हैं। ये तीनों के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता, ध्यान रखना, तीनों के अंदर ही क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। सिंपल आर्डर्स के लिए जैसे सिंपल वॉल्यूम बनाना है, 1 SDD में काम हो जाएगा आपका, 1 SDD के अंदर एक आर्डर चाहिए। स्पैंड वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए आपका? अगर आपको कोई स्पैंड वॉल्यूम बनाना है तो इसके लिए चाहिए 2 SDD, ठीक है। स्ट्रिप वॉल्यूम बनाना है आपका तो इसके लिए भी कम से कम 2 हार्ड डिस्क चाहिए। 2 हार्ड डिस्क होंगे तब ये बनेगा आपका ये। और रेड वॉल्यूम के लिए कितनी हार्ड डिस्क चाहिए अनुराग, बताना? रेड वॉल्यूम के लिए कम से कम 3 SDD चाहिए। इसमें होता है रेड 6 होता है, रेड 11 होता है, उसमें 4-4 चाहिए, उसमें 4-4 हार्ड डिस्क लेता है। मिरर में केवल 2 होती है, मिरर का मतलब केवल 2 हार्ड डिस्क, 2 SDD। ये कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मेनी हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड फॉर द मिरर वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम, ये सब होते हैं इसमें, 1 SDD, 2 SDD और यहाँ पे भी 2 SDD। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी।
देखो रेड जीरो जो होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिप, वो नाम इनके वो रखे एक्चुअल में है नहीं, बट मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस केवल ये दो देते हैं आपको, ये फॉल्ट टॉलरेंस मतलब अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में फॉल्ट आता है तो टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, टॉलरेट मतलब बैकअप कौन देगा उसे बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो आपका डेटा का बैकअप मिलेगा इन दोनों के अंदर, अगर यहाँ पे एक हार्ड डिस्क भी खराब हुई तो डेटा आपका गया फिर नहीं मिलेगा आपको ना। सिंपल में एस आई एम पी एल ई चाहो तो इसको खोल सकते हो। अगर लगाना है तो मैं बता दूंगा आपको, खुल ही जाने दो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं खुल ले दो। तो हम बात कर रहे थे रेड वॉल्यूम की, तीन आर्डिस चाहिए, मिरर वॉल्यूम की दो आर्डिस चाहिए, सिंपल वॉल्यूम के लिए एक आर्डिस चाहिए, स्पैन के लिए दो आर्डिस चाहिए, स्ट्रिप के लिए दो आर्डिस चाहिए, ये फिक्स है। अगर आपने रेड सिक्स बनाया तो कितनी चाहिए आपको आर्डिस, चार चाहिए इसके लिए, तब बनेगा आपका ये, इसके लिए चार चाहिए। तो फोर आर्डिस किसमें नीड होगी आपकी, सिक्स और इलेवन में। हाँ सेम यही चीज किसमें होती है, रेड इलेवन में चलता है आपका, रेड इलेवन ठीक है ना। ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, देखो इन्होंने ये कुछ है कुछ नहीं आपका, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आता, कॉम्बिनेशन होते है आपका कि ये जब क्या है तीन आर्डिस है, अब ये इनमें क्या कर दिया जैसे कि स्ट्रिप है, स्ट्रिप और इसको दो को क्या कर दो मिला दो तो क्या बन रहा है आपका ये, तो इन्होंने क्या किया मिरर को और स्ट्रिप को मिला दिया इनको बस, तो क्या बन गया ये डबल, क्योंकि पहले स्ट्रिप को क्या बोलते थे रेड वन बोलते थे, जैसे किसी को जीरो किसी को वन, तो उनके नाम एक और ऐड कर दो डबल कर दिया, दो को कंबाइन कर दिया। तो बैकअप के लिए क्या होता है कि एक आर्डिस है इसमें क्या तीन आर्डिस है तो इसकी पैरिटी किसी दूसरे में स्टोर हो गई, अगर मेरी दो आर्डिस गई तो डेटा गया आपका। वही चीज है क्योंकि ये ऑप्शन आएंगे नहीं आपका वहाँ पे, आते नहीं ऑप्शन से, अगर आप क्रिएट करते हो तो केवल इतने ऑप्शन दिखते हैं आप इसमें, जब आप बनाओगे जैसे विंडोज में मैं जैसे क्रिएट करता हूँ उसमें वॉल्यूम, ना तो ये रेड सिक्स का कोई ऑप्शन आता है उसमें और ना हाँ फाइव तक आता है उसमें ऑप्शन, कंबाइन कर दिया उन्होंने दो को कंबाइन करके उन्होंने दोनों को, देखो क्या कर रहे उसका एक और बना लो, जैसे जो मेरे पास वॉल्यूम है उसका मैंने क्या बना दिया उसका मिरर बना दिया, तो वो क्या हो गया कंबाइन हो गया ना आपका, बैकअप और पड़ा हुआ है कि मेरी दो हार्ड डिस्क भी गई तो भी मेरा बैकअप रहना चाहिए, ये चीज है इसमें। क्योंकि यहाँ पे एक हार्ड डिस्क अगर आपकी डिलीट होती है तो क्या होगा चल जाएगा सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, बट दो आर्डिस जाने पर डेटा आपका गया क्योंकि उसमें पैरिटी नहीं मिल पाएगी उसकी, क्योंकि एक की पैरिटी दूसरी में दूसरी किसमें इसकी इसमें आ रही है, फिर ऐसे चल रहा है आपका पैरिटी मैच हो करके। तो देखिए फिलहाल हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे कोर्स में, हम केवल इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू कोर्स अगर मैं बात करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं अपनी बुक को खोलता हूँ यहाँ से देखते हैं, तो कह रहे हैं कि डिस्क पार्टीशनिंग अलाउज और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू डिवाइड अ हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क को डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है इनटू मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज, मल्टीपल में क्या कर सकते हो उसे डिवाइड कर सकते हैं यूनिट्स में, उन यूनिट्स को क्या बोल देते हैं यहाँ पे हम पार्टीशन बोल देते हैं। तो बाय सेपरेटिंग अ डिस्क इनटू पार्टीशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज डिफरेंट पार्टीशंस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि कोई चीज डेटा स्टोर करना है किसी भी चीज के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करना है या कोई स्वैपिंग बनानी है आपको इसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो पार्टीशन बना सकते हो, ये बताया इसने यहाँ पे।
कह रहे कि दो प्रकार के क्या होते हैं पार्टीशन स्टाइल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला एमबीआर बताया, तो एमबीआर कब से अभी तक यूज हो रहा है, देखिए 1982 से चल रहा है ये, उसे बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो पार्टीशनिंग स्कीम होती है, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पार्टीशन स्टाइल बोलो इनको या स्कीम बोलो, एक ही बात है। तो पार्टीशन स्टाइल बोल सकते हैं आप इसको या स्कीम बोल सकते हो। डेडिकेटेड हाउ डिस्क आर पार्टीशन ऑन सिस्टम रनिंग फर्मवेयर। तो देखिए बायोस होता है वो एमबीआर को सपोर्ट करता है, जो यूईएफआई का जो बायोस है वो क्या करता है आपका, देखो ये कौन सा बायोस है आपका, यूईएफआई का बायोस, ये जीपीटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं, वीडीबी 1, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो। इसके अंदर देखो ये पूरा का पूरा क्या बनाया गया, एक्सटेंडेड बनाया गया, इसके अंदर वीडीबी 4 कर सकते हैं इसमें हम। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अनयूज स्पेस लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे वीडीबी 5। तो ये क्या लॉजिकल ड्राइव्स हैं। सो दिस स्कीम सपोर्ट मैक्सिमम कितने पार्टीशन सपोर्ट कर सकता है, ये 4 पार्टीशन सपोर्ट कर सकता है इसमें। और जिसमें क्या कर सकते हो, आप ओएसबी इंस्टॉल कर सकते हो, जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो 3 प्राइमरी बना सकते हो इसमें आप, तो एमबीआर पहला पार्टीशन होगा, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। उसके बाद जो रेस्ट है आप पूरा का पूरा क्या करो, इसको यहां से यहां तक एक बाउंड्री डिफाइन कर दो एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट मैक्सिमम ऑफ 15 पार्टीशन। कितने पार्टीशन बना सकता है वो, 15 पार्टीशन इसमें बन सकते हैं, क्योंकि 32 बिट स्टैंडर्ड पर काम करता है, और जो हमारा ये वाला होता है वो 64 बिट स्टैंडर्ड पर काम करता है ये वाला, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स कितना सपोर्ट करेगा, 2 TB की हार्ड डिस्क। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है आपका 2 TB से ऊपर का है आपका, तो क्या करेगा, उसमें हम जो है सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो MBR मैक्स टू मैक्स 2 TB तक सपोर्ट करता है। और कितने पार्टीशन सपोर्ट करता है, केवल 15 पार्टीशन सपोर्ट करता है इसमें। ठीक है, अब देखो तो इसमें अगर कोई पर्टिकुलर हार्ड डिस्क आपके पास 2 TB से ऊपर की है, तो इसकी ये क्या है, लिमिट है इसकी, नो लॉन्गर भी थियोरेटिकल लिमिट आपको बता रहे, इससे ऊपर का कुछ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें जीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीपीटी, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, ठीक है ना, ये जीपीटी की फुल फॉर्म लिखी है। तो जो भी आपका जीपीटी जो स्टाइल होता है वो यूईएफआई के पार्टीशन को, मतलब यूईएफआई का जो बायोस होता है जिसे बोलते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है आपके हिसाब से, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है फर्मवेयर। तो व्हाट इज फर्मवेयर बताइए, हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, देन विल बिकम अ फर्मवेयर। क्योंकि जो चिप हो गई वो क्या हो गया आपका, हार्डवेयर में आ गया, उसमें जो ओएस है, ओएस का मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर होता है उसमें, किसी चीज को रन करने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, उस पर हम चिप को राइट कर देते हैं, उसमें प्रोग्राम डाल देते हैं। तो प्रोग्राम क्या हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया आपका, तो उसमें जो प्रोग्राम है वो क्या कहलाएगा आपका, सॉफ्टवेयर हो गया। तो न तो मैं इसको केवल सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ, ना केवल इसको मैं हार्डवेयर बोल सकता हूँ, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्मवेयर। इसके लिए चाहिए आपका UEFI का फर्मवेयर, जिसे हम बायोस बोल देते हैं। इसको लीगेसी का बायोस बोलते हैं, इसको आजकल हम क्या बोल देते हैं, लीगेसी बोल देते हैं, पुराना वाला बायोस, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये जो हमारी CD ड्राइव होती है, हाँ जी, ये प्राइमरी पार्टीशन होता है क्या सर हमारा? हाँ, जैसे कि जो प्राइमरी पार्टीशन में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सबके सब क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। बट आजकल जैसे कि जो विंडो 10 यूज कर रहे हो ना आप, वो सबके सब प्राइमरी होते हैं। तो आजकल हम जो विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक्चुअल में इंस्टॉल कहाँ पे होता है, जीपीटी पार्टीशन में हो जाता है। आजकल हम ज्यादातर जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपको विंडो 10 जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे जीपीटी में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, पुराने जो हैं, जो यूज कर रहे हैं कुछ लोग जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, एमबीआर यूज कर रहे हैं कुछ लोग जीपीटी। तो आजकल जो पार्टीशन बन रहे हैं वो ये वाले पार्टीशन स्टाइल में, और सबके सब क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, इसमें कोई एक्सटेंडेड जैसा कंसेप्ट नहीं होता। हाँ सर, ये एक्सटेंडेड वॉल्यूम क्या होती है फिर हमारे सिस्टम में, कहाँ दिखती है ये जो एक्सटेंडेड? अभी दिखाऊंगा आपको, ये चीज मैं अभी दिखाऊंगा, बट वो एमबीआर के अंदर होता केवल। ठीक है ना, जब मैं एमबीआर जब क्रिएट करूंगा
तो मैं ये सब आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, एक जो एक टू जेड सारी चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो कह रहा है कि यूईफाई जो स्टैंडर्ड है ये किसको सपोर्ट करता है आपका 64 बिट को क्या करता है, मतलब इसका जो पूरा जो स्टाइल होता है वो 64 बिट को यूज करता है, तभी हम क्या कर सकते हैं उसमें 128 पार्टीशन बना पा रहे हैं। इसका लिमिट है, जैसे कि इसमें क्या होता है आपका एमबीआर होता है, एमबीआर का अपना साइज होता है कितने बार उसका होता है 512 बाइट का, उसमें 4 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन स्टोर हो पाती है, तो उसमें कुछ फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है मैं आपको दिखा देता हूं। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसकी लिमिट होती, देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका, इसका साइज कहीं लिखा हुआ मैं आपको दिखा दूंगा, साइज ये रहा, दिख रहा है आपका। तो 2 बाइट का क्या होता है मैजिक नंबर होता है इसका, 512 होता है तो 2 तो ये हो गया आपका। 64 का क्या होता है, पार्टीशन बनते हैं कि 4 ही बन सकते हैं 60 60, तो इसमें कितना यूज करें 64 का मतलब 8 16 32 64, तो मतलब एक पार्टीशन का जो लिमिट कितना हो गया 8 बाइट का, तो इसकी फिक्स है, उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते आप इसमें, क्योंकि ये क्या है, और ये होता है 446 का बूट लोडर होता है इसका। तो यहाँ पे बूट लोडर की इंफॉर्मेशन 446 के अंदर, ये अच्छा है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बाद स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 1 मिनट वेट करते हैं, ठीक है ना, अभी आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, बस अभी वो सेतु आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसी में अभी वेट कर रहा था उनका। ठीक है सर, उनका कॉल आ गया था। ओके सर। दिख रहा है आपका इस तरह से पूरा, दिख रहा है आपका सारी चीज स्टेटस ये सब एडर क्या है सब दिख रहा है आपका, इस तरह से चीजें होती है उसमें, SDA तो सब बता रहा है कहाँ पे क्या नंबर है। देखो ये क्या बोलते हैं उसको 0x करके ये नंबर है, बाइट है, MBR के थ्रू फॉर्मेटेड है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब क्या क्या चीजें होती है इसमें। अब इनकी यहाँ पे डिटेल लिखी है
MBR का एरिया क्या है, सब लिखा है इसमें आपका। अब यहाँ पर सब लिखा है, फ्लैग का मतलब क्या है, CCS का मतलब ये एड्रेस है, स्टार्टिंग ऑफ द पार्टीशन हार्ड डिस्क। तो क्या है इसको बोलते हैं CHS, पार्टीशन का टाइप, एड्रेस, ये सब एड्रेस देखो। अब इनके बारे में यहाँ पे क्या होता है देखो, सिलेंडर हेडर सेक्टर नंबर है ये, क्या लिखा है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इज द ओल्ड एड्रेसिंग मेथड ऑफ गिविंग एड्रेस टू ईच फिजिकल ब्लॉक ऑफ डेटा ऑफ द हार्ड डिस्क। थोड़ा सी थ्योरी जितना पढ़ोगे आप, बहुत कुछ है आपका देखो, इस तरह से पूरी की पूरी चीजें हैं इसमें। और किसी साइट पर जाओगे आपको और जानकारी मिलेगी, तो सब लिखा है। GPT का मतलब क्या है, MBR का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम लिखा है, उसमें ठीक लिखा था, इसमें भी एक दो चीजें लिखी हैं। विकिपीडिया पे जाओगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन्होंने भी दिया हुआ है वो, इसी सारी चीज लिखी है इसमें, BIOS क्या है, MBR क्या है, ठीक है ना। इसमें देखो सबके नाम लिखे हैं, जैसे जीरो का मतलब क्या होता है, इनिट होते हैं ना आपके, ये सब दिया है इन्होंने। तो हर किसी पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। एक सर एक और अच्छा मतलब ट्यूटोरियल्स क्वाइट करके अब उसका भी देखिए एक बार करके, उसमें देखिए कैसे नॉलेज ट्यूटोरियल्स क्वाइट ट्यूटोरियल्स मैं जब तक मैं इसको थोड़ा बंद कर दूं। क्या गई? अरे हाँ वो तो चलता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो हमने बोला अरे कोई नहीं सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी आवाज आ रही है आपको अभिषेक? जी सर आ रही है। ठीक है तो देखिए GPT के अंदर हम जो पार्टीशन बनाएंगे वो कितने बन सकते हैं, इसमें देखिए 8 ZB तक, कितने तक, 8 ZIB ZB, या ऐसे बोलते हैं JB byte। ZB लिखा होगा तो Z क्या आपका ZB, अगर ZIB लिखा है तो JB byte हो जाता है आपका। बस स्टैंडर्ड वही है, 1024 और 1000 का अंतर, वही चीज है आपका और कुछ नहीं है। तो कह रहा कि 8 बिलियन टेराबाइट तक क्या कर सकते हो आप, पार्टीशन बना सकते हो। तो पार्टीशन आपका इसका जो स्कीम है इतनी बड़ी है कि कितना भी खत्म हो जाएगा, ये चीज खत्म नहीं हो सकती आपके, क्योंकि इतना बड़ा कहाँ आ पाएगा सारी चीजें। MBR बनाया था 2 TB को सोच के, क्योंकि उसमें आपकी हार्ड डिस्क बहुत कम चलती थी, किसी के पास 256 GB है तो समझो बहुत है, अब तो TB में हो गया आपका 512 आ गया, तो पहले कम चलता क्योंकि आपका जैसे XP था, XP के लिए नेक्स्ट टू मैक्स 2 GB होता था आपका, 2 GB की बात कर रहे हैं उसमें स्टोर हो जाता था। अब क्या 20 GB होगा सीधा बिन 48 GB ऐसा शायद अंडरस्टैंड का। हाँ कितना 40 या 48 GB या तो सीधा ही आ जाता है एक पार्टीशन बनाने का। नहीं पार्टीशन नहीं सीधे मतलब पूरा अंडरस्टैंड। हाँ उसका तो खैर वो उतना ही है कि अगर आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करना है तो 20 GB उसका स्टैंडर्ड चाहिए, तो 40 GB कम से कम उसका साइज होना चाहिए। उसका पहले 4 था आपका, जस्ट 40 हो गया आपका, डबल नहीं ज्यादा 100 गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ZB तक आप स्टोर कर सकते हो, उसमें इतने का पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, तो डिस्क अप टू इतना। कह रहा कि इन एडिशन एड्रेसिंग लिमिटेशंस ऑफ द MBR पार्टीशन स्टाइल GPT ऑल्सो ऑफर सम एडिशनल फीचर बेनिफिट। तो यहाँ पर हर किसी पार्टीशन को एक क्या बन जाएगा, एक यूनिक आईडी मिलेगी, इसलिए बोलते हैं उसको GUID, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। टू आइडेंटिफाई ईच डिस्क एंड पार्टीशन, हर डिस्क को हर पार्टीशन को एक नंबर मिलता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ MBR विच है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसमें देखो एक फेलियर था आपका, इसमें दो है देखो, यहाँ भी है यहाँ भी है, कि बाई चांस ये पार्टीशन जैसे कहते ना पहले MBR हमारा क्या होता था, करप्ट हो जाता था, उसको रिपेयर करना पड़ता था पहले,
अगर एमबीआर अगर आपका करप्ट हो गया तो रिपेयर करना, बस यहाँ पे क्या पहले से क्या बैकअप है, अगर ये करप्ट होगा वहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, आपको रिपेयर नहीं करना। तो इसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, देखो ऊपर देखो वो तो एक ही था आपका, एक ही पार्टीशन होता था जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है आपका, और कितने बार 512 बाइट का होता था ये। इसका देखो साइज एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें साइज के लिखा नहीं है, तो वो इमेज आपने डाउनलोड किया था ना सर, उसमें भी नहीं है साइज उसका, नहीं नहीं क्योंकि साइज होगा तो इसका, बट इसको कुछ और बोलते हैं इसका, दोबारा से मैं खोलता हूँ इसमें जीपीटी साइज। देखते हैं इसमें तो उतना ही बता रहा है इसमें, नहीं तो कुछ और लिखा है, इसको कुछ और बोलते हैं, मैंने देखा था इसमें नंबर कुछ और होता है इसका, मैं एक बार देख लेता हूँ इमेजेस में शायद किसी में हो, ये तो पीएमबीआर है इसमें कुछ नहीं है, चलो मैं इसका देख के बता दूंगा आपका, कुछ इसको बोलते कुछ और है, इसका जो स्टार्टिंग का साइज होता है उसे कुछ और बोलते हैं, 4 TB नहीं, ये तो उसका ही बता रहा केवल इसमें साइज का, इसका नहीं, चलो कोई नहीं देख लूंगा मैं इसको, पहले देख के बताऊंगा आपका। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, इसमें क्या हो गया आपके दो है, इसमें सेकेंडरी कॉपी भी होती है जीपीटी की, सो जीपीटी यूजेस चेकसम टू डिटेक्ट एरर एंड करप्शन ऑफ द जीपीटी हेडर एंड पार्टीशन टेबल। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, इन्होंने इसका बताया कि मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ यूटिलिटी जो होते हैं, तो पार्टेड यूज किया इन्होंने, तो एफ डिस्क यूज करो, पार्टेड यूज करो, जी डिस्क यूज करो, या एफ डिस्क में जी डिस्क भी आता है उसी तरह से जी पार्टेड भी आता है आपका। तो ग्राफिकली आप इसको क्या कर सकते हो, ये पैकेज होता है, अगर आपको ग्राफिकली मैनेज करना चाहते हो तो पैकेज इंस्टॉल करो अपना यूज करो, और काली लिनक्स के अंदर ऐसे उनके सब तो इनबिल्ट आ रहा है आपका, मैंने देखा है काली में देखा उसमें इनबिल्ट आता है जी डिस्क करके, आपका वहां से मैनेज कर सकते हो। तो पार्टीशन एडिटर बोलते हैं, पार्टेड की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्टीशन एडिट, और जी डिस्क का क्या होता है बताओ जल्दी से, जी डिस्क का फुल फॉर्म या एफ डिस्क बोलो, जी डिस्क बोलो या एफ डिस्क बोलो, ये आपका कमांड लाइन के थ्रू है, तो एफ डिस्क में यहां लिख देता हूं एफ डी आई एस के, इसको बोलते हैं फिक्स, यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब फिक्स होता है, जैसे ये क्या कर रहा है पार्टीशन को एडिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है फिक्स कर रहा है, फिक्स डिस्क, और ये ग्राफिकली क्या कर रहा है फिक्स करेगा, तो बस वो ग्राफिकल डिस्क है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए। तो देखिए आगे क्या लिखा है, अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक चेंजेस ऑफ द डिस्क पार्टीशन सच एज क्रिएटिंग पार्टीशन, डिलीटिंग पार्टीशन, चेंजिंग पार्टीशन, टू परफॉर्म दीज operations administrator can use partition parted partition editor for both MBR and GPT partition scheme, दोनों को क्या करेगा ये support करेगा। So parted command takes the device name of the whole disk as the first argument and one of more sub commands, तो parted command है आपका, जैसे आपको देखना है कि इसमें कितने partition बने हुए हैं तो print कर दो इसको, प्रिंट से दिख जाएगा आपका कितने पार्टीशन पहले से बने हुए हैं। अगर कोई पार्टीशन बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस डिस्क में जाना चाहते हो, पहले उस पर लेबल डिफाइन करना पड़ता है, या तो आप MS-DOS का मतलब MBR के थ्रू, ठीक है, उसके बाद GPT कर सकते हो। बट मैं अभी आपको बुक वाला कंसेप्ट नहीं बता रहा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ एफ डिस्क के थ्रू पार्टीशन, क्योंकि एफ डिस्क में जो कंसेप्ट समझाए गए वो आपका थोड़ा सा इसमें जो चीजें थोड़ी सी टफ सी है इसमें। तो देखो सबसे पहले मेरे पास एक, चलो कोई नहीं मैं इसी में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, SSH करके मैं सर्वर A के अंदर आता हूँ, ये मशीन है, करें स्टार्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप इसमें एफ डिस्क लिखा, अब आपके जो डाउट्स हैं अभिषेक का पूछ लेना मुझसे, पहले मैं अपना बताऊंगा सारी चीज एक एक करके सारी चीजें, फिर आपके जो डाउट्स हो मुझसे पूछना। तो देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि मेरे पास हार्ड डिस्क कितनी अवेलेबल है, तो मेरे पास कमांड होती है LSBL के, कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है इसमें, मेरे पास OS इंस्टॉल्ड है पहले से, इसमें कुछ नहीं करना आपका, 10 का 10 GB पहले से रिजर्व है इसके लिए। तो 5-5 GB के उन्होंने 3 हार्ड डिस्क दिए, ये सब के सब वर्चुअल है। एक चीज पहले मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर सपोज करो मेरे पास हार्ड डिस्क है, क्योंकि पहले जो हार्ड डिस्क चलती थी वो आटा चलती थी, पाटा चलती थी, पता है आपको, अगर आपके पास आटा हार्ड डिस्क है या पाटा बोलते थे उसको, उसके लिए पहले उनका नाम होता था HDA, हार्ड डिस्क का जो फाइल का नाम होता था वो HDA। अगर HDA के अंदर आपको पार्टीशन बनाने हैं तो का नाम कैसे दोगे आप, HDA1, दूसरा कैसे होगा HDA2, HDA3, ऐसे चलेगा आपका एंड सो ऑन। अगर मेरे पास साटा हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में, अगर हार्ड डिस्क ये है साटा, तो इसमें जो फाइल होगा उसका नाम क्या होगा SDA, SD का मतलब यहां तक सेम रहेगा साटा ड्राइव, A का मतलब पहला नंबर, पहली हार्ड डिस्क। उस पहली हार्ड डिस्क में अगर आपको पार्टीशन बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, SDA1, SDA2, SDA3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आपका। बट मेरे पास अभी वर्चुअल है तो कैसे आएगा, वर्चुअल ड्राइव, पहली हार्ड डिस्क होगी तो ए आएगा, ठीक है। मुझे इसमें पार्टीशन बनाने, या मेरे पास कोई दूसरी हार्ड डिस्क है VDB, ये दूसरी हार्ड डिस्क होगी जैसे मेरे पास दिया गया, उसमें मुझे इसमें पार्टीशन बनाने हैं तो VDB1 पहला पार्टीशन हो गया, VDB2 दूसरा पार्टीशन हो गया, VDB3 तीसरा पार्टीशन हो गया, एंड सो ऑन। अगर आपने कहा सर मेरे पास SSD है तो आप बताओ इसका नाम क्या आएगा, मैंने आपको 2-3 नाम बताए, अब इसका नाम आप बताओ क्या बोलोगे आप इसको, NV नॉन वॉलेटाइल, कैसे मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल होती है, NV ऐसे याद करेंगे इसे, नॉन वॉलेटाइल, ME मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, पहला डिस्क होगा तो 0 आ जाएगा, दूसरा डिस्क होगा तो 1 आ जाएगा। इन्होंने सेम फॉर्मेट कैसा यूज किया, जैसे हम यूज करते हैं ना विंडोज में, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, ऐसे चलता, तो उन्होंने NVMe का सेम फॉर्मेट वही रखा, NVMe 0, पार्टीशन पहला होगा तो पार्टीशन बने ऐसे हो जाएगा इसका नाम, पार्टीशन 2 ऐसे हो जाएगा आपका, NVMe 0 पार्टीशन 2 ऐसे चलेगा आपका, तो इसमें ऐसे स्टैंडर्ड चलेगा आपका, तो NVMe 0 और पार्टीशन 2 एंड सो ऑन। ये HDD ATA PATA और SATA HDD हैं सारे। हाँ देखो, अगर आपका साटा हार्ड डिस्क, देखो आटा पहले चलती थी, आईडी बोलते थे उसको पहले, हम क्या बोलते थे पहले हार्ड डिस्क को, हम आईडी, उसके बाद साटा आया था। हाँ। पहले जो हार्ड डिस्क चलती उसको क्या बोलते थे, आईडी बोलते थे, आईडी जो 40 पिन का होता था, पता है आपको 40 पिन का उसका क्या होता था, कनेक्टर होता था। साटा का कितना होता है, 7 पिन का होता है, आईडी बोलते थे, ईडी नहीं आईडी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आईडी होता था, ये 40 पिन का होता था, इसमें जो डिस्क होती थी उसका नाम क्या होता, जो डिस्क की फाइल क्या होती थी, फाइल, फाइल का नाम क्या होता था, SDA, पार्टीशन बनाओगे, क्योंकि इसमें हर कोई चीज फाइल है, हार्ड डिस्क भी इसके लिए क्या एक फाइल है, SDA1, SDA2, SDA3, अगर साटा हार्ड डिस्क है तो नाम कैसे आएंगे, SDA1, SDA2, SDA3, अगर वर्चुअल है तो VDA1, VDA2, VDA3 ऐसे चलेगा, SSD है तो ऐसे चलेगा आपका, इसका जी का भी सेम रहता है, ध्यान रखना इसका जी और एक्सटर्नल का ऐसे ही रहेगा आपका साटा का, ये सेम, क्योंकि कंपनी में तो इसका जी चलती है ना, SCSI, उसके लिए भी क्या होता है सेम चलता है, आप ध्यान रखना ये चलेगा। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है SCSI या एक्सटर्नल है आपका, एक्सटर्नल में क्या हो सकती है USB, इनके लिए क्या है सेम ही है आपका, उसके लिए भी क्या होगा SDA चलेगा, पहली हार्ड डिस्क SDB चलेगा एंड सो ऑन, इसका भी क्या चलेगा सेम। ये नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये नाम इसके अंदर में ऐसे ही काम करते हैं आपके, तो देखो यहाँ पे लिया इन्होंने VDV, ये तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, डेव का मतलब ये फोल्डर होता है, जितने भी हार्ड डिस्क जो डिवाइसेज होती हैं वो सब इसी के अंदर मिलेंगे, डेव के अंदर, डेव का मतलब डिवाइसेज, ठीक है। चलिए सर,
नहीं नहीं वो तो क्या होता है आपका जो डेटाबेस होता है, बट अभी ये क्या है डिवाइस है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेयर के अंदर, चाहे वो आप एफटीपी हो चाहे लॉग्स हो, वो सब वेयर के अंदर जाते हैं। वेयर के अंदर लॉग, वेयर के अंदर जैसे कि कैसे होगा, वेयर, वेयर के अंदर मैंने बताया लॉग, लॉग अलग जाएंगे। जैसे एचटीटीपी होगा तो इसके अंदर जाएगा, अगर एफटीपी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफटीपी हो जाता है आपका, एफटीपी हो जाता है, बट है सब कुछ क्या वेयर ही है, स्लैश वेयर, यहाँ पे स्लैश लगा होगा। वेयर का मतलब वेरिएबल डेटाबेस, वेयर का मतलब वेरिएबल। तो देखिए ये चीज आपके लिए हो गया। अब देखो मुझे पार्टीशन बनाना है तो मेरे पास कमांड होती है fdisk, fdisk hyphen l करोगे, लिस्ट करोगे तो मेरे पास देखिए ये डिस्क फ्री है, ये भी डिस्क फ्री है, ये भी डिस्क मेरे पास फ्री है, तो मुझे इसमें पार्टीशन बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट जो साइट, जो साइज है बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपका 512 बाइट। चलिए तो मुझे इसमें डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाना है, तो स्लैश डेप, डेप के अंदर वी डी बी में जाओगे आप, तो पहली कमांड ये लिखते चलो, ये कमांड लिख लो इसमें, क्योंकि ये कमांड बुक में नहीं है एफ डिस्क वाली। अगर जो चीज़ आपको पहले से पता है वो ठीक है, नहीं है तो उसे नोट करते जाओगे आप साथ साथ। जैसे मैं एफ डिस्क के अंदर आया, इसमें एक लिखा हुआ कि इट्स अ यूटिलिटी, क्या है आपकी ये यूटिलिटी है। आप इसके अंदर सबसे पहले मुझे देखना है तो कुछ नहीं, आपको इसमें सारी कमांड रटनी नहीं है, बता रहा है एम प्रेस कर दो, क्या प्रेस कर दो एम। तो देखिए इसने टोटली ऑटोमेटिकली से लेबल क्या कर दिया, इस पर असाइन कर दिया डॉस का, एम एस डॉस बोल देते हैं। पार्टेड में करना पड़ता है, ये अपने आप असाइन नहीं करता, ये अपने आप ले लेता है। देखो आइडेंटिफायर इसने क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया, मतलब इसने इसे एम बी आर में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, प्री डिफाइंड है आपका ये। एम प्रेस करो, एम प्रेस करते आपको देखो बता रहे ऊपर से देखो एम बी आर, अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो किसी और में तो आपको बताना पड़ेगा, उसमें जेनेरिक में जाओगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन से, डी का मतलब डिलीट करना, एन का मतलब क्रिएट करना, टी का मतलब पार्टीशन आईडी चेंज करना, आई ये छोड़ दो जो आपके काम के बता देता हूँ, डब्ल्यू का मतलब राइट करना, क्यू का मतलब क्विट करना। अगर आपको इसे जीपीटी में कन्वर्ट करना है ये पार्टीशन स्टाइल ले लो, इरिक्स में तो ये ले लो, डॉस में ये ले लो, अगर कन्वर्ट करना है बाद में तो ये, तो ये सब लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, पार्टीशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पार्टीशन बनाने के लिए ये पहले लेना पड़ेगा एन, तो इसमें कोई कमांड याद नहीं करनी, नंबर दिए गए इसमें पहले से। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या टाइप करने वाले हो, एन टाइप करने वाले हो, टाइप कर दिया आपने एन, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। सर इस डिस्क के ऑलरेडी पार्टीशन बने हैं कुछ? नहीं कुछ नहीं, इसमें खाली है बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो मैं इसमें कंट्रोल सी कर रहा हूँ और पहले दिखा रहा हूँ आपको मैं। अच्छा इसमें अपने आप वो लिस्ट नहीं होता, देखो अब इस पर कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा आपको, मैंने इसमें पी प्रेस किया, पी से क्या होता है प्रिंट होता है, कुछ नहीं बना इसमें भी। अच्छा सर आप एक बारी फिर से LSBL के चलाएंगे एक बारी कमांड, LSBL के हाँ। तो मैं यहाँ से बाहर हो जाता हूँ, अच्छा यहाँ से क्विट करके बाहर होना पड़ेगा LSBLK। हाँ सर इसमें VDF जो पहला दिया है ये मतलब इस केस में वर्चुअल अगर हटा देते हैं सर, SDA इमेजिन करते हैं, तो इस सर्वर पे चार हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। हाँ साटा पहली हार्ड डिस्क के अंदर OS इंस्टॉल है, देखो ठीक है रूट पे, ठीक है सर ठीक है। क्या कोई इसमें स्वैप नहीं बनाया, देखो चेक कर लो चाहो तो इसमें कोई स्वैप नहीं होगा, ठीक है सर। df-h करना एक बारी, df-h करके देखो टी कर देता हूँ, पूरा का पूरा 10 GB क्या रिजर्व है किसके लिए, देखो स्वैप नहीं बनाया इसमें कोई भी, उन्होंने केवल स्वैप नहीं बनाया, डायरेक्टली बस एक पार्टीशन बना के दिया आपको, उसमें OS इंस्टॉल्ड है। तो सर ये जो ये बाकी जो इसमें आता है जैसे इसमें दिखा रहा है ना 10 GB साइज का है ये डेव वीडीए, और सर ये जो बाकी TMFS ये जो होता है ये कहां पे, ये डिफॉल्ट बन जाते हैं आपके पार्टीशन, ये आपके क्या होते हैं फाइल सिस्टम है, जैसे डेव TMPFS इसका साइज प्री डिफाइंड है आपका, डेव के लिए इतना मिला हुआ है, इसको प्री डिफाइंड, इसको इतना साइज मिला हुआ है, ये यहाँ पर माउंटेड है बाय डिफॉल्ट, ये अच्छा। ये बनाते नहीं, अपने आप कुछ क्रिएट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना।
और ये सबको साइज मिल कहां से रहा है आपका इसमें से? अच्छा इस रूट से मिल रहा है इनको साइज? हाँ सबको प्री डिफाइंड है ये तो आपका, ये कोई पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन हमारा एक ही है देखो एक, ये बस माउंट पॉइंट बन जाते हैं इनके ऑटोमेटिकली। क्या बने हुए सब? माउंट पॉइंट। और ये सब रूट के अंदर ही है ना सर? हाँ सब रूट के अंदर है, एक ही पार्टीशन हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मुझे पार्टीशन बनाना है तो कमांड क्या थी हमारी? ये कमांड थी, यहाँ पर गए हम, हमने क्या प्रेस किया? एन प्रेस किया। एन प्रेस करते मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा आ गया, कह रहे कितने पार्टीशन बना सकते हो? केवल चार। चार में प्राइमरी अभी एक भी नहीं बनाया आपने और एक्सटेंडेड भी एक नहीं। तो यहाँ पे लॉजिकल क्या कह रहा है? कंटेनर है आपका। एक्सटेंडेड क्या है? जस्ट वर्क एज अ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर क्या कर सकते हो आप? 11 लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो या लॉजिकल ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे इसमें क्या किया, पी प्रेस किया तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी। कह रहे नंबर क्या देना चाहते? मैंने कहा वन ही दे दो उसको। सबसे पहले उसका जो फर्स्ट सेक्टर का साइज यहीं से स्टार्ट होगा हमेशा। डिफॉल्ट सेक्टर कितने से स्टार्ट होता है? सेक्टर साइज है इसका 2048 का सेक्टर। जस्ट एंटर कर दोगे आप इसमें। कह रहा है कि केबी में साइज बता दो मुझे, एमबी में बता दो, जीबी में बता दो, टीबी में बता दो, पीबी में बता दो, मैं ले लूंगा। या फिर सेक्टर में डिफाइन करना चाहो सेक्टर में डिफाइन कर दो अगर आपको आते हैं तो। अरे साइज कह रहा है कि आपको साइज तो अभी कह रहा है कि मैंने अभी जो पूरी हार्डिस ली है उसमें पार्टीशन का साइज क्या देना चाहते हो? हाँ तो टीपी वाला तो साइज दे ही नहीं सकता ही, अरे देखो पता है को से ये चीज है, बट वो उसने उसमें डाला हुआ पहले से रखा हुआ है उसने ऑप्शन कि आप जो पार्टीशन देना चाहो तो उसको डिफाइन कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, सपोर्ट नहीं करता बट इन्होंने फिर भी पहले देखो यहां तक आता था पहले, अब इन्होंने 8 में ऐसा कर दिया। एक्चुअल में पहले पी नहीं आता था, केवल टी तक दिखा देता आपका। 7 में जाना टी तक दिखाएगा आपको। इन्होंने इसको लिया है अभी भी देखो, बस वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे पूल बन गए। अब पूल को मैं क्या कर सकता हूँ? मिक्स कर सकता हूँ तो कुछ और बना सकता हूँ आगे चल के, हो सकता है ऐसा कुछ हो आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें साइज क्या देना चाहते हो? तो प्लस का साइन लगा दो पहले, प्लस इसमें कंपलसरी है। साइज मैंने दिया इसमें 2 GB, ले लिया इसने साइज। पी करके चेक करो, पार्टीशन बन चुका है आपका। देखिए एक और बना देता हूं मैं, पी मैंने लिया, एंटर, जस्ट अगेन एंटर, प्लस करके 200 MB ले लिया मैंने इसमें। अच्छा मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूं, इसने लिया क्यों नहीं इसने। मैंने दोबारा से प्रेस करता हूँ एंटर, जस्ट अगेन एंटर, फर्स्ट सेक्टर एंटर, प्लस का साइज, और मैंने इसमें कितना लिया? 100 M, चलो B लिख देता हूँ। ठीक है, ले लिया इसने। P प्रेस करो, 95 MB दिखा रहा है आपका। ठीक है, एक पार्टीशन और बना देता हूँ मैं इसमें, एंटर, जस्ट अगेन एंटर, अगेन एंटर, प्लस का साइज लिया 200 MB, ये बन गया 191 का। पी करके चेक कर लो। एक और बना रहा हूँ मैं इसमें, एन, अगेन पी करना पड़ेगा, यहाँ पे ई बोल रहा है मुझसे बट मैं फिलहाल पी बना रहा हूँ। फर्स्ट सेक्टर एंटर, लास्ट पे मैंने क्या किया? 300 MB ले लिया। अब देखिए ये मेरे पार्टीशन बन गए। अब मैं पार्टीशन बनाऊंगा तो क्या बनेंगे इसमें अब? क्योंकि प्राइमरी की जो 4 की लिमिट थी पूरी हो चुकी है, अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास स्पेस बचा हुआ देखिए अभी भी, बट यू कान डू नथिंग। अब आपने कहा था कि सर एक्सटेंडेड क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सटेंडेड। ठीक है अभिषेक जी? सर जी सर, हाँ जी हाँ जी। अब देखिए क्या करोगे आप इसमें, ये आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। देखो इसमें नंबर कैसे पता चलेगा प्राइमरी? 83 होता है इसकी आईडी। आईडी क्या होता है इसका? एक्सटेंडेड का 5 होता है। एक्सटेंडेड कितना होता है? 5। अभी बताऊंगा आपको उसमें भी, बट मैं एमबीआर की बात कर रहा हूँ। जब ये GPT होता है तो नंबर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं वो। सर ये FDISC में है या सब में ऐसे ही है? नहीं नहीं, FDISC के थ्रू, बट MBR की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मतलब ये जो आईडी है ये, हाँ ये फिक्स है आपका, बट किसके लिए? MBR के लिए, केवल MBR के थ्रू जो स्टाइल है आपके। तो MBR से किसी के भी थ्रू करती है? हाँ, जब हम क्या करते हैं उसको चेंज करते, मैंने देखा है नंबर चेंज हो जाता है उसका। जब मैं GPT थ्रू करता हूँ ना जी, उसके अंदर पार्टेड के अंदर देखता हूँ
जब उसको जीपीटी कर देते हैं तो वहां पे वो उनके क्या होते हैं नंबर चेंज हो जाते हैं, बट ये एमबीआर का बात कर रहा हूँ मैं, केवल एमबीआर के थ्रू जो फॉर्मेटेड होगा उसके लिए फिक्स है हमेशा वही मिलेगा आपको। हाँ कोई भी, हाँ तो हमेशा ये मिलेगा आपका फिक्स है ये, इसका आईडी होता है 83। बट आपने कहा सर मेरे पास लॉजिकल ड्राइव है तो उसके लिए कुछ अलग होगा, नहीं, लॉजिकल ड्राइव का प्राइमरी का दोनों का सेम ही होता है ध्यान रखना, एक्सटेंडेड का अलग होता है क्योंकि हम एक्सटेंडेड के अंदर डेटा स्टोर थोड़ी करते हैं, लॉजिकल के लिए करते हैं या फिर हम प्राइमरी के अंदर करते हैं, एक्सटेंडेड जस्ट अ बाउंड्री आपका, तो बाउंड्री का नंबर इन्होंने अलग दिया 5, अभी देखते हैं उसको। तो पहले मैं एक पार्टीशन क्या कर देता हूँ इसमें से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया आपका, देखो अभी कितने मेरे पास 3। सर इसमें टोटल कहते हैं ना 15 बन सकते हैं। हाँ जी हाँ जी बनाऊंगा भी, बट सर 14 हुए ना टोटल, अगर अगर ये तीसरे के बाद चार बनाने के बाद कह रहा है कि प्राइमरी को एक्सटेंडेड में कन्वर्ट करना है, फिर उस एक्सटेंडेड को आप क्या बनाओगे, एक बनाओगे एक्सटेंडेड, कितने हो गए 4 हो गए, हाँ 4 हो गए आपके, अब उसके अंदर हाँ। क्या बना सकते हो 11 बना सकते हो, 11 और 4 कितने हो गए, बट सर वो जो 11 होंगे वो एक्सटेंडेड के तो होंगे, 11 जो बनेंगे वो एक्सटेंडेड ही होंगे, लॉजिकल ड्राइव्स होंगे वो। अच्छा। देखो एक चीज में आपका, अगर आपने पूछा है तो मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, अभी मैं एक पार्टीशन डिलीट और कर देता हूँ, आपने कहा कि सर मैं एक्सटेंडेड एक ही बन सकता है, ध्यान रखना दो नहीं बना सकते हो, मेरे पास अभी देखो कितने फ्री हैं, देखो मेरे पास 2 फ्री दिख रहे हैं, अब मैंने इसको ई कर दिया, क्या कर दिया ई कर दिया, मैं साइज भी छोड़ रहा हूँ आपके सामने, देखिए मैंने केवल 1 GB ले लिया, अभी देखो साइज नहीं, मैं तो भाई नंबर दे रहा हूँ इसको, फर्स्ट सेक्टर एंटर, यहाँ पे प्लस करके 1 करके जी कर दिया, मेरे पास कितना बचा अभी एक, अभी तो साइज क्या है मेरे पास बचा हुआ है, तो देखो मैं क्या बना सकता हूँ, या तो एक एक्सटेंडेड और बनाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड का कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या, केवल किसका ऑप्शन आ रहा है, लॉजिकल, एल का मतलब लॉजिकल बना सकते हो, वो भी किसके अंदर, जो 1 GB आपने इसको दिया हुआ है उसके अंदर, या फिर क्या बना सकते हो प्राइमरी, जो आपका बचा हुआ स्पेस है उसमें, जो बचे हुए स्पेस में प्राइमरी तो बना सकते हो, बट इसमें कहीं भी एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसा ऑप्शन आता था पहले एक्सपी के अंदर बस, केवल जो मैंने देखा है, विस्टा के बाद भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक्सटेंडेड 2 किसी भी उसमें बना ही नहीं सकते, बट मैंने एक्सटेंड पार्टीशन 2 या 3 बना के देखे एक्सपी के अंदर, वहां तक सपोर्ट करता था। अब उन्होंने कहा कि यूजर को तो ये पता ही नहीं एक्चुअल में कि अगर आप 2 एक्सटेंडेड बना रहे हो तो वो आपके किसी यूज के नहीं है, आप दूसरे एक्सटेंड पार्टीशन में कभी पार्टीशन नहीं बना सकते हो, बना सकते थे पहले बट पार्टीशन का ऑप्शन उसमें हाईलाइट नहीं होता था। ठीक है ना, तो सर अभी आपने 2 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड बनाया क्या? हाँ अभी मैंने क्या बनाया, देखिए 2 क्या बन गए, प्राइमरी 1 एक्सटेंड, तो कहने का मतलब एक्सटेंडेड पार्टीशन 2 कभी भी नहीं बन सकते। अगर कोई सपोर्ट करता भी है तो दूसरा आपके यूज का नहीं होगा, आपका एक्सटेंड पार्टीशन 1 ही बनेगा, तो इसलिए उन्होंने OS में भी इनबिलिटी कर दिया आपका, क्योंकि दूसरा बनेगा ही नहीं, आपका ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, कह रहा कि लॉजिकल बना सकते हो आप, और क्या बना सकते हो आप, प्राइमरी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एन प्रेस करता हूँ, अच्छा वो कह रहा कि अभी एन नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, पी कर सकते हो या फिर आप एल कर सकते हो, तो मैं एल कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट सेक्टर एंटर, सेकंड सेक्टर का मैंने पूरा पूरा साइज दे दिया, अब देखो क्या आ रहा है आपका केवल ऑप्शन, अगर देखो मैं इसमें एल कर रहा हूँ, ऑप्शन क्या कह रहे, देखो एल, क्योंकि मेरे पास साइज नहीं बचा ना, क्योंकि 1 GB मेरे पास स्पेस कितना था, 1 GB का था, वो मैंने पूरा पूरा उसी को दे दिया लॉजिकल को, अब क्या कह रहा है मेरे पास कोई फ्री सेक्टर नहीं है, मेरे पास साइज कहाँ है, जो बना सकते हैं जो फ्री स्पेस बचा है उसमें क्या बना सकते हो केवल प्राइमरी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एन प्रेस किया, पी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, जो बचा हुआ था वो मैंने किसको दे दिया, इसको, अब मैंने फिर एन किया, अब क्या कह रहा है, अब आपके पास कुछ नहीं है, खाली हुआ कि जितना स्पेस था पूरा का पूरा आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज। तो अब आपको बता रहा है कि कुछ नहीं बन सकता, सब कुछ क्या है यूज में आपका, तो आपने क्या बना लिया, प्राइमरी बना लिए। चेक करना चाहो चेक करो क्या क्या बना है आपका इसमें, पी करके देखो ये क्या बन गया, लिनक्स पार्टीशन, लिनक्स पार्टीशन यहाँ पे क्या लिखा है, 5 नंबर है इसकी आईडी, एक्सटेंडेड का जो आईडी, बट मैंने बताया था लॉजिकल के लिए भी क्या होता है 83 होता है आपका, तो ये आपका अलग से मैंने दिया है इसमें, ये प्राइमरी है आपका, इनके लिए सेम है, तो प्राइमरी हो या लॉजिकल हो दोनों के लिए आईडी कितना नंबर है आपका ये। अब आपको चेक करना है आईडी नंबर किसी का, चेक करना है, देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 5 कर दिया,
तो यहाँ पे बता रहा है L, इतने सारे क्या होते हैं नंबर से प्री डिफाइंड है आपके ये सब। जैसे जब मैं LBM क्रिएट करूंगा तो LBM के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये फिक्स है आपका नंबर। लिनस के लिए क्या फिक्स है, ये स्वैप के लिए क्या फिक्स है, ये मिनिक्स के लिए 81, ये प्री डिफाइंड है आपका। सो दीज आर द नंबर। कह रहे फैट बनाना है तो क्या है आपका, तो सब ये प्री डिफाइंड है आपका। ठीक है, जीएनयू का कुछ लिखा है आपका, ये देखो सब क्या है प्री डिफाइंड है। दिस इज बीबीटी लैन स्टेप ईएफआई 16 लिनक्स जीपीटी ईई, ये नंबर है आपके। बट फिलहाल मैं इसमें अभी कुछ नहीं कर रहा। सपोज मैं 8E ले लेता हूं। अब देखो ये पार्टीशन क्या बन गया आपका, LBM बन गया। अब ये सिंपल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब LBM। तो ये कंसेप्ट है। फिलहाल मैं सबको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से आपके अभी ये काम किस पे हो रहा है, ध्यान रखना रैम पे हो रहा है आपका। पार्टेड और जी पार्टेड के अंदर सीधा हार्ड डिस्क में होता है, उसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अभी मैं जब तक इसको सेव नहीं करूंगा, जब तक ये हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करेगा, अभी सारा काम किस में हो रहा है रैम। अगर मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ जाऊं तो राइट क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करने के बाद वो राइट करता है। हाँ, वो ग्राफिकल है ना, इसलिए जब पार्टेड कराऊंगा तो ऐसे चलेगा आपका, कमांड चलेंगे सारे। मैं कोई भी ग्राफिकली नहीं बताऊंगा आपको, सारा कमांड से बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, सारा डिलीट हो गया। अब देखो मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। मैं चाहता तो केवल क्यू प्रेस करता, बाहर आ जाता, फिर आ जाता उसके अंदर, सारे पार्टीशन अपने आप हट जाते उसमें से। हाँ जी, रैम में लोड करके रखता है टेंपरेरी, और बस राइट कर दे तो परमानेंट हो गया, नहीं कर दे तो वो। हाँ, जब तक मैं यहाँ पर डब्लू प्रेस नहीं करूंगा, डब्लू प्रेस करते क्या होगा, वो राइट हो जाएगा उसके अंदर। ये अंतर है कि जी डिस्क एफ डिस्क के अंदर और पार्टेड के अंदर, ठीक है। अब देखो दोबारा से, पहली चीज मैंने आपको बताया था कि कितने पार्टीशन बना सकते हैं हम, केवल चार। ये चीज आपको दिख रही है, चार के चार, चाहो प्राइमरी बना लो या फिर वो अपना फॉर्मेट कर लो कि पहले तीन प्राइमरी बनाओ एक एक्सटर्न बनाओ। तो देखो मैं वही सेम फॉर्मेट यूज करूँ, इसमें मैंने एन प्रेस किया, सर एन नहीं पी, एंटर, जस्ट एंटर, 1G हो गया, पहला बन गया आपका एक पार्टीशन। बस मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटेंडेड करके, ठीक है ना। तो मैंने इसमें क्या प्रेस किया, एन प्रेस किया, अब इसमें ई प्रेस कर दिया, एंटर एंटर एंटर, एक्सटेंडेड पार्टीशन को पूरा पूरा स्पेस दोगे। पहली चीज तो जितना भी होता है एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, तो उनके पास कुछ पार्टीशन पहले से बने होते हैं, तो आप क्या करो पूरे को पहले क्या बनाओ, एक्सटेंड बना लो, फिर उसके अंदर जितने वो पार्टीशन कहता है बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं इसे। अब देखिए मैंने फिर एन प्रेस किया, ये देखिए मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए केवल लॉजिकल का ऑप्शन आ रहा है। ये फिक्स है नंबर, देखो मैंने पार्टीशन एक बनाया बट नंबर कहां से साइन कर रहा है, ये पांच, ये फिक्स कर रखा है इन्होंने कि भाई जो नंबर अगर आपने प्राइमरी को नहीं दिया तो वो पांच से ही स्टार्ट करेगा अपना। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे पास फ्री है स्पेस चार या पांच, उनको यूज नहीं कर सकते आप, नहीं। ये फिक्स है कि पांच के बाद ही लॉजिकल मिलेगा आपको, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। आप डायरेक्टली चाहो तो एक्सटेंडेड बना सकते हो, बट उसमें OS इंस्टॉल नहीं कर सकते एक्सटेंड के अंदर, क्योंकि एक प्राइमरी होना चाहिए कम से कम, प्राइमरी लॉजिकल नहीं प्राइमरी, क्योंकि OS की इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, MBR की इंफॉर्मेशन प्राइमरी के अंदर, ऐसे है ये चीज है। तो मैंने एंटर किया जस्ट, अब इसको मैंने क्या किया, प्लस का साइन दिया, 2GB का पार्टीशन बना दिया। तो देखिए मैंने दो पार्टीशन बना दिए, क्या बनाए मैंने, लॉजिकल, सॉरी ये बन गया आपका प्राइमरी, और ये क्या बन गया आपका एक्सटेंडेड, और ये क्या बन गया आपका, तो तीनों हो गए आपके प्राइमरी एक्सटेंडेड और लॉजिकल, ठीक है। मेरे पास अभी स्पेस है और बना सकता हूँ, बट मुझे नहीं बनाना। अब मैंने क्या कर दिया, सीधा डब्लू प्रेस किया, डब्लू से क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। तो बता भी रहा है कि पार्टीशन टेबल इसमें क्या हो गया, सेव हो गया। अब इसकी पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए मेरे पास कमांड होती है पार्टेड, क्या कमांड होती है, तो लिखो क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता तो रहा है आपका। देखो इसने मैसेज दिया किसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा, पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए इसके लिए कमांड होती है
कौन सी कमांड थी, क्योंकि पार्टेड नहीं है, कुछ और कमांड है इसके लिए। हाँ पार्ट प्रो, पार्टेड नहीं पार्ट प्रो है, पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए, ठीक है ना। स्लैश डेव और वीडीबी, कौन सा आपका वीडीबी, पार्ट प्रो, पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए क्या होता है, पार्ट प्रो होता है। अब देखो हमने हार्डिस्ट ली, हार्डिस्ट के अंदर हमने क्या किया, पहला काम क्रिएट अ पार्टीशन, पार्टीशन क्रिएट करके हमने क्या किया, इसमें हमने पार्टीशन टेबल को अपडेट किया, दो काम ही किए भी हमने, पार्टीशन टेबल को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, फॉर्मेट करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसे माउंट करना पड़ता है, और माउंट करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये स्टेप है पूरा, हमने इतना काम कर लिया, अपडेट हो गया। अब mkfs ये कमांड है इसका, किसके थ्रू फॉर्मेट करना चाहते हो, ext2 के थ्रू, 3 के थ्रू, fat, ext4, minix, ms-dos, कभी कभी एग्जाम में ये दे देते हैं, ये हम कभी पढ़ते नहीं है, बट ये किसका होता है, पेन ड्राइव का होता है, वो कह रहा है कि इसके थ्रू फॉर्मेट करो, तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया ये कुछ नहीं, ऐसी में वही चीज़ है आपका, क्योंकि हम पढ़ते क्या बुक में, ext2 पढ़ते हैं, ext4 पढ़ते हैं, या फिर आपका लेटेस्ट में कौन सा है आपका, इसमें XFS किधर लिखा है, इसमें हाँ ये बस ये दो है आपके जो हम पढ़ते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये दे देते हैं, तो ऐसा भी आता है आपका एग्जाम में लिखा होता है, उसमें VFAT के थ्रू फॉर्मेट करना है आपको उसमें, ठीक है। तो फिलहाल मैं EXT4 के थ्रू क्या करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ स्लैश डेव और VDB। पार्टीशन कौन सा था मेरा, एक तो ये होता है, ध्यान रखना एक्सटेंडेड पार्टीशन कभी फॉर्मेट नहीं होता, ये मेरा कौन सा पार्टीशन है आपका एक्सटेंडेड, अगर मैं इसे फॉर्मेट करूंगा होगा नहीं, केवल लॉजिकल फॉर्मेट कर सकते हैं या प्राइमरी, डेटा यहाँ थोड़ी जाता है आपका, यहाँ पे स्टोर होगा यहाँ पे स्टोर होगा, ये तो जस्ट बाउंड्री है, बाउंड्री कभी फॉर्मेट नहीं होती है, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और दूसरा कौन सा था, 5 था मेरा, और यहाँ पर मेरा ये पार्टीशन है XFS के अंदर, दिख रहा है आपका, ये दोनों क्या हो गए, फॉर्मेट हो गए। अगर मैं इसमें से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ राइट है आपका, अगर ये ऑप्शन यूज करोगे तो फोर्सफुली ओवर राइट कर सकते हो चाहो तो उसको आप, बट वो आप उसे फॉर्मेट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए दो पार्टीशन हमारे हो गए फॉर्मेट करने आपको, अब इस क्या करना पड़ेगा, आपको माउंट करना पड़ेगा, माउंट करने के लिए दो फोल्डर बनाओगे, तो mkdir मैं दो फोल्डर बनाता हूँ, एक पार्ट वन करके कोमा PRT पार्ट टू करके, दो बना लिए, ls करो, दिख रहा है आपका पार्टीशन बन गया आपके, दो दो फोल्डर बन गए आपके। कमांड है टेम्प्रेरी माउंट करने के लिए स्लैश डेव, और डेव के अंदर कौन सा पार्टीशन है आपका, VDB, VDB में कौन सा पार्टीशन है आपका, पहला पार्टीशन, इसे माउंट करना है पार्ट वन के अंदर, PART पार्ट वन, PART पार्ट, अच्छा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे हमने जो पार्टीशन क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में ये चीज़ क्रिएट कहाँ करनी है आपका, इसके अंदर ls करो, देखो अब यहाँ पे पार्टीशन वन पार्टीशन टू बन चुके हैं, ठीक है। अब इसको माउंट कर लेते हैं, और पार्टीशन टू को यहाँ पर, ये कौन सा था, पार्टीशन 5, इसको मैंने यहाँ पर माउंट कर दिया VDB 5 को, df करके हाइपन एच करके t कर लो आप, आपका वन कहाँ पे, ये वो ext4 फाइल सिस्टम क्या है इसका, ये इसको मैंने इससे फॉर्मेट किया, तो बस आपको समझाने के लिए, दोनों को मैंने अलग फाइल सिस्टम लिया, इसका साइज कितना है 1 GB, इसका साइज कितना है 2 GB। जैसे ही मैं सिस्टम को रिबूट करता हूँ, ये पार्टीशन क्या होंगे आपके, हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि टेम्परेरी है ये, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, परमानेंट करना पड़ेगा, FSTM में इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी, ये चीज आपको बतानी है। दोबारा से मैं इसको SHS करता हूँ, क्या बात है बड़ी जल्दी आ गया, देखो मैंने रिबूट किया तुरंत आ गया, देखो रिबूट करने में टाइम लिया इसने, देखो
डीएफ हाइफन एच करके देखो, हो गया गायब हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये कमांड फिर आपको टाइप करनी पड़ेगी, तब क्या होगा आपका आएगा ना वापस ये। ये बार बार ऐसा तो नहीं करोगे आप, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो एटीसी एफएस टाइप के अंदर फिक्स कर देंगे उसको। अच्छा एक ही आया इसमें अभी, एक मुझे लगता गलत हो गया। अच्छा एक्चुअल में हुआ क्या ना, ये मुझे यहाँ पे करना था टू और ऑलरेडी माउंटेड है टू। अब मुझे इसे क्या करना है, हटाना है इसको, बताना कमांड यू माउंट कैसे लिखोगे आप, यू माउंट करके केवल इसका नाम सेम नहीं लिखोगे, माउंट पॉइंट का नाम ठीक है। अब देखिए मेरा डीएफ किया मैंने यहाँ पर, कुछ भी नहीं फिलहाल अभी। अच्छा ये देखो एक्चुअल मैंने क्या कर दिया था, दो बार माउंट कर दिया था, क्या कर दिया था मैंने इसको, दो बार माउंट कर दिया था। तो उसने एक बार बार दिखा दिया उसने आपकी बार, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वन करना पड़ेगा। अब मैंने फिर क्या किया, चेक किया कुछ और तो नहीं इसमें, नहीं मैंने क्या किया दोबारा से फिर उसको माउंट किया। चलो क्या मैं माउंट नहीं करता हूँ, पहले एफ एस टाइम एंट्री डालता हूँ उसके बाद माउंट करता हूँ ठीक है। तो क्या करोगे, विम दो तरह से माउंट कर सकते हैं, या तो डिवाइस नेम के थ्रू या फिर माउंट करने के भी दो प्रोसेस होते हैं। सो यू कैन यूज डिवाइस नेम या फिर उसकी यूजर आईडी यूज कर सकते हो, दो तरह से माउंट कर सकते हैं हम। तो देखिए मैंने दो पार्टीशन है, एक को मैं क्या करता हूँ डिवाइस नेम के थ्रू माउंट करता हूँ और एक को यूजर आईडी के थ्रू माउंट करता हूँ। तो माउंट करने के दो प्रोसेस हो गए, माउंट है TWO2 प्रोसेस। द फर्स्ट इज डिवाइस नेम, द सेकेंड इज यूजर आईडी। हो गया, करके देखें इसको हम। अब देखो जी LSBL के करो, अभी मेरे पास पार्टीशन तो है बट मैंने उसको अभी माउंट कहीं नहीं किया। देखो माउंट पेन में क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा आपका, शो नहीं कर रहा। लिखोगे vim slash etc fs tab ठीक है, शिफ्ट करके G प्रेस करोगे, O प्रेस करोगे और slash dev, और dev के अंदर नाम क्या है इसका, इसका नाम है vdb1 पैरा पार्टीशन। इसको कहाँ माउंट करना है, इसका माउंट पॉइंट बता दोगे स्लैश पीआरटी पार्ट वन ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाम हो गया, ये क्या है इसकी यूयूआईडी, बट मैंने क्या यूज किया है डिवाइस नेम। कह रहा कि ये क्या हो गया इसका फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम हमारा क्या था ext4 था, इसके थ्रू फॉर्मेट करना। उसके बाद क्या होता है डिफॉल्ट लिखते हैं इसमें हम, तो इसमें फील्ड होते हैं छह। पहला फील्ड क्या होता है डिवाइस का नाम बताओगे, दूसरा फील्ड माउंट पॉइंट का नाम बताओगे, तीसरा क्या होता है फाइल सिस्टम, छह। तो ये कितना हो गया, एक दो तीन चार और ये पांच और ये लास्ट में जीरो छह। पहला होता है FS, ये होता है आपका FSC के होता है, ये होता है आपका बैकअप के लिए होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, अभी बता दूंगा। तो टोटल छह फील्ड होते हैं उसके ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट्स करना है, देन जीरो ये बैकअप के लिए होता है, देन अगेन जीरो ठीक है। अब मुझे यू यू आई डी पता होना चाहिए, तो बी एल के आई डी कमांड होते हैं, बी एल के आई डी स्लैश डेव, डेव में कौन सा पार्टीशन था आपका, फाइव था ना, बी डी बी फाइव। इसकी ब्लॉक आई डी क्या है, तो देखो यहां से लेकर के इसकी यू यू आई डी कॉपी कर लो, कॉपी हो गया, दोबारा से उसके अंदर जाओ, वो प्रेस करो, पहले यू यू आई डी टाइप कर दो यहाँ पर, हो गया स्लैश पी आर टी पार्ट टू हो गया। अब ये एक्स एफ एस के थ्रू फॉर्मेट था आपका, इसके लिए हमने ext4 तो यूज नहीं किया था, एक्स एफ एस यूज किया था, ये पता होना चाहिए। तो हाँ नहीं, यहाँ पे आपको बताता है, अभी आपको बताऊंगा आपको, देन जीरो स्पेस जीरो, ये तो सेम रहेगा। देखो यहाँ पर बताता है आपका, ये देखो यहाँ दिखाया हुआ आपका, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा वन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है रहा आपका, कह रहा कि या तो आप ये वाला देखो, यहाँ दोनों चीज लिखी होती है, डिवाइस नेम लिखा होता है पहले, यूजर आईडी लिखा होता है, चाहो तो ये ले लो या ये ले लो, जो आपको सही लगता है। और यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम बता देगा जो भी है,
ये पार्टीशन की यूआईडी है, देखो इसका आईडी अलग है, इसका आईडी अलग है, बट ये स्टार्टिंग वाला नेम क्या देखो, क्योंकि दोनों एक ही आरएस के अंदर है ना आपका, ये 05 का मतलब नंबर ले लिया उसने, 01 का मतलब नंबर ले लिया आपने, तो ये हार्ड डिस्क का आईडी है आपका, तो इसलिए होता है पार्टीशन यूयूआईडी, पता है। तो उसमें हार्ड डिस्क डिवाइस और पार्टीशन दोनों को क्या करता है, वो यूयूआईडी असाइन करता है आपका इतना। बट अभी आप डीएफ करो, पार्टीशन अभी एक भी नहीं आया इसमें, केवल एंट्री करने से कुछ नहीं होने वाली, तो फाइल है, फाइल को अपडेट करना पड़ेगा आपको। क्या कमांड होती है अपडेट करने के लिए, fstm में आपने एंट्री डाल दी, उसको अपडेट करना है आपका कि वो यहाँ पे पार्टीशन शो कर दे। टेम्पलेट में तो क्या करता है, कमांड टाइप करते हैं अपने आप, क्या करता है शो करता है माउंट हाइफन ए, अपडेट कर देगा पूरा। डीएफ करो, दोनों पार्टीशन आ गए आपके, या तो ये यूज कर लो या फिर आप ये यूज करो, मैनुअली करना है तो स्लैश पार्ट वन ऐसे कर दोगे, ऑलरेडी है पहले से पार्ट टू, पार्ट टू नहीं, हाँ पार्ट टू ही था इसमें, ऐसे भी कर सकते हो, माउंट पॉइंट का नाम दे सकते हो, अपडेट कर लेगा। ऐसे क्या करेगा, दोनों को अपडेट कर दे, मैनुअली करता तो मुझे दो कमांड टाइप करनी पड़ती, एक का मतलब होता है ऑल, पूरा अपडेट कर देगा आपका ईपी ईटीसी एफएस टैप को। हाँ, लेटेस्ट में कमांड आजकल यूज करते ये वाली, सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड, सुना होगा आपने सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड, ये कमांड भी यूज करते हैं डेमन को रीलोड करने के लिए 8 में। अब मैं देखिए रीबूट कर रहा हूं इसको, चेक करना चाहता हूं कि ये फिक्स है कि नहीं है। अब ये क्या होगा इसको, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने चला के छोड़ दिया इसको, देखो आ गया, डीएफ कर लिया आप इसमें, ठीक है। और हाइफन एच का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, टी का मतलब टाइप, तो देखिए ext4 दिखा रहा है आपका, और ये xfs आपका आ गया, दोनों अपडेटेड हैं आपके, क्लियर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हुआ हमारा पार्टीशन बनाने का, और पार्टीशन fds के थ्रू हमने क्रिएट किया। इसी चीज को मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें, आपका स्वैप पार्टीशन बनाना, फिर मैं पार्टेड यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां तक मुझे बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। सर क्लियर तो हो गया है सर, बस छोटे छोटे एक दो डाउट है, जैसे df hyphen ht करते हैं सर आप, तो उधर temp फाइल सिस्टम जो है, मतलब जैसे ये फाइल सिस्टम है df, ये dev vda 8.1, अब समझ आ गया कि ये xfs मतलब फाइल सिस्टम इसका ये साइज इतना है, बाकी डिटेल्स यूज्ड एंड अवेलेबल। जो ऊपर है सर ये temp fs भी वही दिखा रहा है, और फाइल सिस्टम भी temp fs दिखा रहा है। नहीं ये क्या, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग का नाम यहाँ पे, नाम दोनों के क्या होते हैं सेम ही होता है, ये अपने आप में फाइल सिस्टम होता है, यही नाम इन्होंने यहाँ पे दिया, ये डिफॉल्ट होता है आपका। अच्छा, ये क्या होता है बूटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है, टेम्पररी फाइल सिस्टम, टेम्पररी फाइल सिस्टम डिवाइस, टीएमपी फाइल सिस्टम, तो ये जब तक चलते हैं, जब तक हमारा ओएस चल रहा है, उसके बाद ही अपने आप हट जाते हैं, अपने आप अनमाउंट हो जाते हैं, ध्यान रखना टेम्परेरी है ये, ये ओएसए रिलेटेड है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना आपको। पार्टीशन हमारे ये मेन है तीन, ठीक है सर। और यही था कि चार, जैसे आप उन्होंने बोला इसमें एमबीआर में चार बना सकते हैं हम पार्टीशन, तो उसमें चार मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है, तीन प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड। यार आप देखो ये, देखो ये यहाँ पे अमाउंट है, ये पार्टीशन यहाँ अमाउंट है, और ये वाला पार्टीशन का अमाउंट है आपका, पार्टीशन इतने ही, देखो ये इसके टेम्पररी बस जस्ट फाइल सिस्टम है ये। नहीं नहीं सर ये वाले नहीं जो, हाँ बोलो। मैं सर जो मेन का कह रहा हूँ, जैसे एमबीआर को और जीपीडी को कैटेगराइज किया ना, तो एमबीआर के मैंने बोला, आपने बोला था कि चार पार्टीशन बनते हैं, तो हाँ, उन चार में से सर 3+1 है या 4+1 है, मतलब प्राइमरी 4+1 एक्सटेंडेड अलग से होता है या 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड मैक्सिमम? देखो 3 तो प्राइमरी हो गया आपके, हां प्लस 1 क्या हो गया एक्सटेंडेड हो गया, टोटल कितने हो गए 4। अब इसके अंदर कितने बना सकते हो 11 चार कितने हो गए, वही तो, यही तो समझ नहीं आया मेरे को, 11+3 करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो 11 के 11 एक्सटेंडेड गई है, 11+3 ये हो गए, 1 हो गया, ये भी तो है ना इसमें, अभी इसके अंदर 11 है, ध्यान रखना इसको काउंट करके 11 नहीं है। ओके ये तो जस्ट एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में कितने बन गए,
11 बन गया। अगर देखा जाए तो यूज वाले पार्टीशन कितने हैं, 3 तो ये हो गए, 11 ही हो गए, 14 यूज वाले पार्टीशन है। ये जस्ट एक बाउंड्री, मैंने कहा बाउंड्री है, इसमें आपने आगे क्या कर लिया, दो दुकानें निकाल ली, और पीछे का स्पेस बचा है आपका, ये आप क्या करोगे इसको पीछे जो भी आपको इसमें, तो बाउंड्री आपने करके डाल दी इसकी, ठीक है ठीक है। अब इसमें जो बाउंड्री में जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका पीछे स्पेस हो गया, ये बाउंड्री है, जस्ट बना रहा हूं मैं बाउंड्री, जितना स्पेस आपको लेना है, मोटी लगानी है दीवार, पतली लगानी बता देना, ठीक है। ये देखो बाउंड्री बन गई आपकी। और सर जितने भी पेन ड्राइव वो सब 11 स्टार्टिंग के 3 यहाँ पे हो गए, प्लस ये 4, चौथा क्या हो गया बाउंड्री के लिए हो गया, इस बाउंड्री के अंदर 11 बना सकते हो, ठीक है जी, ठीक है सर। बट यूज वाले कितने रहेंगे, केवल 14, ठीक है। हाँ जी चलिए, तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्वैप स्टार्ट करेंगे फिर हम पार्टीशन स्वैप। मैं आपको दोबारा बताऊंगा स्वैप का ही था, एक बार फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं ऑन इसलिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऑन रहेगा तो सही रहेगा। रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या वो? कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और बता दूंगा आपको। नहीं नहीं सर, अगर ऐसा है तो आप किसी और की क्लास का भेज दीजिएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, मैं अभी तो 5 मिनट होगा अभी। आप अभी देखिए मैंने क्या बताया था आपका, ये सारी चीज यहाँ से बताई थी, एक बार दोबारा देखिए इस चीज को, 5 मिनट में हो जाएगा अभी आपका, देखो वो उसमें आ जाएगा। मैं थोड़ा पहली चीज मैं स्टिच चला रहा हूँ, मैंने कमांड कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से। उसके बाद क्या क्या था, पार्टीशन बनाने के बाद अपडेट किया था, अपडेट करके क्या किया था, स्वैप ऑन किया था। उसके बाद एंट्री कहाँ दी थी मैंने, विम के अंदर माउंट आईकॉन ये किया था, स्वैप ऑन कर दिया था। ये चीज 5 मिनट में देखो दोबारा से। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले से उनका एक पहले से बना हुआ होता है, उसको एक्सटेंड कराते हैं, इसमें 200 MB इंक्रीज कर दो। क्वेश्चन में सेम टू सेम करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका और 200 MB इंक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, पहले से होगा, उसको इंक्रीज करना है। तो कमांड क्या होती है, एप डिस्क स्लैश डेप और VDB आ गया। आप इसमें क्या प्रेस करोगे, अच्छा दो बार हो गया था VDB, ठीक है। आगे इसके अंदर आप P प्रेस करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, N एंटर एंटर, मैंने पूरा बना दिया, कितना था बचा हुआ था मेरे पास, 1020, इतना स्पेस मेरे पास कुल बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। P प्रेस करो, नंबर क्या देखो इसका, भी क्या करना पड़ेगा इसको, आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके मुझे नहीं पता कि कौन सा इसका नंबर है, तो मैंने क्या प्रेस किया, L। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, देखिए 82, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 82 असाइन करना है, चेंज हो गया। P करके देखो, Venus का क्या बन गया, स्वैप पार्टीशन। W करके क्या कर दोगे, इसका शेप कर दोगे, शेप हो गया। अब क्या करना पड़ता है, इसको पार्टीशन टेबल को अपडेट करना पड़ता है, पार्ट प्रो स्लैश डेप और VDB अपडेट हो गया। अब क्या करोगे, MK स्वैप करोगे, कौन सा पार्टीशन था आपका, इसके अंदर था, नंबर क्या था उसका, 7 नंबर क्या, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसको कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देना, आ गया। अब ये इसको यहाँ से कॉपी करो, विम करो स्लैश ETC करो, FSK में एंटी डाल दो, शिफ्ट करके G O प्रेस करो, शिफ्ट करके इंसर्ट कर दो, यहाँ लिखोगे पहला स्वैप, दूसरा स्वैप, डिफॉल्ट 0 स्पेस 0, शिफ्ट करके ZZ कर दो, सेव हो जाएगा आपका। सर एक और पार्टीशन बना लीजिए स्वैप के लिए, स्वैप अब नहीं बन पाएगा, लास्ट है ये, क्योंकि लास्ट था आपका 1020, मुझे हार्ड डिस्क यूज करनी पड़ेगी दूसरी वाली, स्वैप करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी हार्ड डिस्क यूज करनी पड़ेगी, मेरे पास हार्ड डिस्क स्पेस ही नहीं मेरे पास, इसको सिंक करके आप दूसरा बनाना है तो 3 बनाना है आप किसी को, नहीं सिंक करोगे तो फिर तो पार्टीशन डिलीट करना पड़ेगा आपको, सिंक कैसे करोगे, सही तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अब अगर हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, जब मैं LBM बताऊंगा वहां पे श्रिंक हो सकता है,
ये श्रिंक नहीं हो सकता, ये सपोर्ट ही नहीं करता श्रिंक का। अभी तो क्या कर सकते, डिलीट करके दोबारा बना सकते, इसको श्रिंक ही नहीं कर सकते आप, कैसे भी करके श्रिंक नहीं कर सकते इसको। बेसिक पार्टीशन है आपका, जैसे बेसिक डिस्क होती है विंडोज के अंदर, उसको हम श्रिंक नहीं कर सकते। देखो पहले क्या था, एक्सपी तक श्रिंक का एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं था, विस्टा से स्टार्ट हुआ था आपका, बट इसमें नहीं। अभी भी एमएस डॉस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, फिर बाद में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, फिर एलबीएम करते तो कर सकते इसमें श्रिंक और एक्सटेंड। ठीक है, स्वैप ऑन किया स्लैश डैश बीडीबी कौन सा आपका 7 ऑन हो गया, फ्री हाइफन एच करो आपका, अच्छा पूरे कर दिया मैंने इसमें, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने 200 MB किया था, ये हो गया आपका, तो ये बन गया। कभी आपको ऑफ करना हुआ, अगर आपको कभी नीड हो, कभी पहले मैं आपको दिखा दूँ हाइफन एस करके, हाइफन हाइफन शो कर लो, ये कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, केबल एस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इनकी प्रायोरिटी होती है, इसको 2 दी इसको 3 दी, तो पहले हाई वाला यूज होता है, उसके बाद लो वाला यूज होगा, तो पहले ये वाला यूज करेगा फिर इसको यूज करेगा माइनस में ये। ठीक है, तो देखो इन्होंने इसको बताया भी है इसमें प्रायोरिटी चेंज करने का कंसेप्ट, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको दिखा दूं एक बार ये चीज, कि कभी भी अगर आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है। अच्छा प्रायोरिटी यहाँ पे चेंज करके इन्होंने बताया, इसमें बताया तो इसमें, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है मैं आपको दिखा दूं। इसमें यहाँ पे 2 GB बनाया इन्होंने, बैकअप नाम दिया इसका, नहीं स्वैप 1 स्वैप 2 प्रायोरिटी इन्होंने कहाँ पे डिफाइन किए है, बन यहाँ पे डिफाइन की, देखो दिख रहा है आपका, तो बता रहा है यहाँ पे 2 स्पेस है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ये सब कुछ, 2 स्वैप स्पेस ऑन द स्वैप पार्टीशन प्रीफर्ड स्वैप 1 हायर प्रायोरिटी। क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है तो पहले इसको प्रायोरिटी देगा फिर इसको देगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, माइनस में 2 होता है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपका माइनस में 2 चलता है, इसमें लिखा है कहीं बाय डिफॉल्ट कहीं, ऊपर लिखा होगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, पढ़ लेना उसको थोड़ा सा, पढ़ के आना एक बार, इसको हम और करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो देखिए आपने पूछा कि सर हमें इसमें एक्सटेंड करना है श्रिंक करना है, तो क्या यूज करोगे, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट एलवीएम कंसेप्ट यूज करोगे। तो एलवीएम क्या होता है, आप इस 3-4 लाइन लिखिए इसमें, पहले पढ़ो आप इसको, कितना पढ़ो पहले आप सब, पढ़ा आपने, क्या समझ में आ रहा है आपको बताइए। कोई स्पेसिफिक फाइल सिस्टम है अगर इसका जो भी स्पेस है, कोई हार्ड डिस्क या वॉल्यूम लूप का अगर उसमें साइज कम हो गया है, कोई नया हार्ड डिस्क एंटर करके उस हार्ड डिस्क को उस वॉल्यूम में, मतलब उस लॉजिकल वॉल्यूम में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई डिस्क खराब हो रहा है तो नया ऐड करके और उस वाले पार्ट पे, नए वाले पार्ट पे सारे फाइल्स को मूव करा सकते हैं, सेम फाइल सिस्टम होना चाहिए। तो ये जस्ट अपने अपने पार्टीशन स्टाइल समझो, ये अलग पार्टीशन स्टाइल समझो। तो क्या क्या कह रहे हैं, लॉजिकल वॉल्यूम, जो लॉजिकल वॉल्यूम बनते हैं वो हम यहाँ बना सकते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट मेक्स इट इजियर टू मेक दिस स्पेस। कि अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, 2-3 हार्ड डिस्क हैं, किसी में कुछ स्पेस बचा है, किसी में कुछ स्पेस बचा है, सबको कंबाइन करना है आपका, तो ऐसा कंबाइन करने का कंसेप्ट एफ डिस्क आपको नहीं देता ना, क्योंकि आपके 4-5 डिस्क हैं, आप उसको ऐड कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें आपका। ठीक है, इफ द फाइल
if the file system that host a logical volume need more space, अगर by chance कोई file system है आपको, कोई partition है आपके पास, उसमें थोड़ा सा space और increase करना है, या आपने कहा sir shrink करना है, तो ऐसा हम LBM में कर सकते हैं. So it can be allocated to its logical volume from the free space. अगर मेरे पास कहीं free space है, तो वहाँ से निकल सकता हूँ, उसको extend कर सकता हूँ. और वो free space होता कहाँ पर है आपका? Volume group के अंदर होता है. इसमें कंसेप्ट क्या चलता है मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमारे पास एक डिस्क होती है. इस डिस्क को क्या करते हैं, इसको हम पार्टीशन बनाते हैं. सपोज मेरे पास पार्टीशन बने, इस पार्टीशन को पहले पीबी में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको. पीबी में कन्वर्ट करके जितने पीबी जो होते हैं वो वीजी में ऐड कर लेते हैं, वीजीएस बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, वॉल्यूम ग्रुप. इस वीजी के अंदर आप एलबी बनाते हो, तो क्या कह रहा है ये लिखा हुआ आपका, कि जो वीजी के अंदर से क्या कर सकते हो, जो फ्री स्पेस होगा वहां से क्या कर सकते हो, द फाइल सिस्टम कैन बी रिसाइज. आप इसको क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो. इफ द डिस्क स्टार्ट टू फेल, अ रिप्लेसमेंट डिस्क कैन बी रजिस्टर्ड एज अ फिजिकल वॉल्यूम. फिजिकल वॉल्यूम का मतलब ये वाला डिस्क की बात कर रहे हैं. एक नया पार्टीशन बनाओ आप, पीबी बना लो पहले उसको, और रिप्लेसमेंट दे सकते हो उसको, ठीक है. बट कह रहे हैं कि विद द वॉल्यूम ग्रुप एंड लॉजिकल वॉल्यूम, अगर आप किसी लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करना चाहते हो, और मेरे पास 2 GB स्पेस था, मुझे इसमें 1 GB और चाहिए, तो 3 GB हो जाएगा आपका. तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो ये सारा कंसेप्ट इसमें आपका सपोर्ट करेगा. कैन बी रजिस्टर्ड, अच्छा ये तो यहाँ पे था, एंड कैन बी माइग्रेट टू न्यू डिस्क, उसको माइग्रेशन में यूज कर सकते हैं. अब देखो जी, सबसे पहले इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि कुछ हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं. एक होता है डिवाइस, डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क. एक होता है टर्म फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है, एक होता है टर्म वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, एक होता है टर्म लॉजिकल वॉल्यूम क्या होता है. तो सबसे पहले आप इतना पढ़ो, आपको क्या समझ में आ रहा है पढ़ो पहले आप इसको. देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी डिस्क है, डिस्क का मतलब फिजिकल डिवाइस, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं. हार्ड डिस्क क्या होता है, इट्स अ स्टोरेज डिवाइस. इसमें क्या करते हो आप, डेटा को स्टोर कर सकते हो. बट डेटा स्टोर कहाँ होता है आपका, लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर. दीज ब्लॉक डिवाइसेस कुड बी डिस्क पार्टीशन, कह रहे हैं कि या तो डिस्क का कोई पार्टीशन हो सकते हैं, जैसे पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 हो सकते हैं आपके, या आप चाहो तो पूरी पूरी डिस्क को पहले क्या करो, एलबीएम में कर पीवी बना सकते हो. पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, उसको फिजिकल वॉल्यूम बना सकते हो. फिजिकल वॉल्यूम को वीजी में ऐड कर दोगे, और वीजी के अंदर आप क्या करोगे, एलबीज बना दोगे लॉजिकल वॉल्यूम. आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, होल डिस्क पूरी डिस्क को जस्ट एरे में क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि एरे में तो ये होता है आपका क्या, आपके पास 3 डिस्क है, तीनों को आपने ऐड कर लिया आपने, ठीक है. या फिर कोई सैन डिस्क बना रहे हो आप, इसमें सैन स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क में. और डिवाइस मस्ट बी इनिशियलाइज, कह रहे कि ये सारी चीजों को इनिशियलाइज करने से पहले आपको पहले एलबीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कहने का मतलब, अभी मैंने आपके सामने पार्टीशन बनाया था, पार्टीशन 1, इसको कहा मैंने कि इसको मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ स्वैप वॉल्यूम, तो पहले मुझे उसे इनिशियलाइज करके क्या करना पड़ता, 82 में कन्वर्ट करना पड़ता उसका. तो यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करने के लिए उसे 8E में पहले क्या करना पड़ेगा, तब वो एलबीएम का रॉ पार्टीशन बनेगा. कैसा कैसा पार्टीशन कहलाता है, आरबीएम का रॉ पार्टीशन. इस एलबीएम के रॉ पार्टीशन को पहले पीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये जस्ट एक लॉजिकल पार्टीशन है आपका, इस लॉजिकल पार्टीशन को फिजिकल वॉल्यूम का मतलब एज अ हार्ड डिस्क की तरह ट्रीट करेगा. पीवी का मतलब क्या होता है, ये सोचेगा ये सिंगल हार्ड डिस्क है आपका, हमारे उस एलबीएम के लिए ये क्या होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक सिंगल हार्ड डिस्क होगा, बट कैसा फिजिकल ही आपका, वो ऐसा फील होता है उसको कि हमारे पास एक सिंगल हार्ड से एक, जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग यूज करते हो तो आपने सुना होगा आइस का चीज, सुना आपने ये वर्ड,
आईएसपीजी में क्या होता है, मैंने आपको 2 GB स्पेस दिया तो आपको यूजर को क्या फील होता है कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, ये फील होता है ना, और पूरी हार्ड डिस्क शो भी करता है उसको, एक्चुअल में वो पार्टीशन होता है, बट यूजर को क्या फील होता है मेरे पास एक सिंगल 2 GB की मुझे एक सेपरेट मिली हुई है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या यूज कर रहा है, बैकग्राउंड प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल से शेयर कर रखा है नेटवर्क में, डेटा यहाँ रखा है, यूजर को लगता है कि मेरे डिस्क में कुछ ऐड है आपका कुछ ऐसा, और लोकली दिखाता है आपका, शो करता है, कभी आपने यूज किया होगा तो ऐसे शो करता है सेम टू सेम, तो यहाँ तक यहाँ भी क्या करता है सेम वही फीलिंग होती है। एक VM मतलब VM यूज नहीं करते हैं, VM या तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए जो VM है तो प्रॉक्सिमॉक्स नाम का एक है, तो उस पे सर जब भी हार्ड डिस्क क्रिएट करता है, लेकिन LVM बना दिया, अब जब भी कोई VM क्रिएट करते हैं उसको जब स्पेस देना होता है तो ICS चाहिए, ISCSI वो आता है 50 GB 100 GB या कुछ, जब थर्डबुक आएगा ना तो पूरा प्रैक्टिकल है आपका करके दिखाऊंगा, आईएसपीजी है आपके, बट इसमें नहीं, बुक में अलग से है, थर्ड बुक में सर्वर्स वाले में, लेटेस्ट वाले में नहीं, उसमें तो पूरा ऑटोमेशन है। चलिए डिवाइस मस्ट बी इनिशियलाइज, कह रहा कि उसका रॉ पार्टीशन बनाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे एलवीएम के अंदर क्या बनाओगे, पीबी बनाओगे, इन ऑर्डर टू Use with LVM, the entire device can be used as a PB. कह रहा कि पूरी डिस्क को चाहो तो क्या बना दो, पीबी बना दो, या पार्टीशन को क्या बना दो, पीबी बना दो, बट यहाँ पर हम पूरी डिस्क को नहीं बना करके पार्टीशन को बनाएंगे, तो क्या कह रहा है कि है क्या पीबी, क्या है पीबी, मस्ट बी इनिशियलाइज अ डिवाइस, जब किसी पर्टिकुलर डिवाइस को जब इनिशियलाइज करते हैं एज अ फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द LVM सिस्टम, तो कह रहा कि LVM टूल सेगमेंट फिजिकल वॉल्यूम इनटू PE, तो ये क्या करता है कुछ PE क्या करता है क्लियर कर देता है पूरी डिस्क में से, कुछ क्या होता है टोटल PE साइज होता है, तो इतने ही हम PE बना सकते हैं, तो टोटल क्या करेगा फिजिकल एक्सटेंड साइज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब छोटे छोटे जो साइज होते हैं उसको बोलते हैं चंक्स बोलते हैं, जैसे डेटा स्टोर का होता है चंक्स और ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है आपका, चंक्स ऑफ डेटा स्मॉलेस्ट स्टोरेज ब्लॉक होते हैं और किसके अंदर होते हैं फिजिकल वॉल्यूम के अंदर, तो उसमें PE होते हैं, तो फिजिकल वॉल्यूम के अंदर क्या होते हैं PE साइज क्रिएट हो जाते हैं, वॉल्यूम ग्रुप में क्या करते हैं जितने भी PB होते हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो व्हाट इज वॉल्यूम ग्रुप, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ पूल, ये पूल होता है जो जिसमें बहुत सारे PBs हो सकते हैं आपके, तो कई सारे PB को मिला करके जो ग्रुप बनता है उसे पूल बोलते हैं, पूल के अंदर क्या होते हैं PBs होते हैं, सो दिस फंक्शनल इक्विवेलेंट द होल डिस्क इन द बेसिक स्टोरेज, ये जस्ट एक बेसिक स्टोरेज हो जाता है आपका, इस स्टोरेज में क्या बना सकते हो आप लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, तो पीबी कैन बी एलोकेटेड टू अ सिंगल वीजी, वीजी कंसिस्ट ऑफ अनयूज स्पेस, इसके पास फ्री स्पेस होता है जिसमें आप नंबर ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो, सो व्हाट इज लॉजिकल वॉल्यूम दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द फ्री स्पेस, जो पी साइज होता है आपका, जो कहां पर स्पेस होता है आपका वॉल्यूम ग्रुप के अंदर, प्रोवाइडेड स्टोरेज डिवाइस यूज बाय एप्लीकेशन यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसमें आप OS भी स्टोर कर सकते हो, यूजर का डेटाबेस, कोई एप्लीकेशन, जो कुछ भी स्टोर करना है, सो LVs आर कलेक्शन ऑफ LE, तो जब हम LVM को डिफाइन करते हैं तो LVM क्या होता है, LVM इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ PB, सॉरी फिजिकल एक्सटेंड साइज इंटू लॉजिकल एक्सटेंड साइज, दैट विल बिकम LVM, सपोज मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो पी साइज होता है एक पी का साइज 4 MB का होता है, एली साइज कितना होता है 4 MB, अगर मेरे पास एक पी है इसका साइज कितना होगा 4, मेरे पास सपोज 100 PB है और एक का साइज कितना है 4 MB का, तो कितना पार्टीशन बनेगा आपका 400 MB का पार्टीशन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास 100 PB है, फिजिकल एक्सटेंड साइज आपको दे दिया पी, तो पी के अकॉर्डिंग हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं आपका, ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए विच मैप द फिजिकल एक्सटेंड स्मॉलेस्ट स्टोरेज चंक्स होते हैं ऑफ द पीबी, बाय डिफॉल्ट एली मैप होता है किसके साथ पी के साथ, मतलब एक पी बराबर कितना होता है 4 MB, एक एली का साइज कितना होता है 4 MB का होता है, एक पी का साइज कितना हो गया 4 MB हो गया, तो ये मैपिंग होती है इस तरह से। अब क्या करना है ये सारी चीज वो बता रहा है आपका, मिररिंग इम्प्लीमेंटिंग कैसे करोगे ये आगे वही चीज, तुम डायरेक्टली चाहें तो क्या कर सकते हैं
ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, कई सारी हार्ड डिस्क हैं, मैंने कहा कि दोनों को कह रहे क्या करो, इसका देखो ये बना दिया, ये बन गया आपका पीबी, कोई पार्टीशन नहीं बनाया यहाँ पे। देखिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, एक ग्रुप में ऐड कर दिया, ग्रुप का नाम क्या रखा है उन्होंने, प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या उन्होंने पार्टीशन बना रखे हैं, ये पार्टीशन अलग है, ऊपर कुछ पार्टीशन अलग होंगे इसमें, तो ये सारे पार्टीशन आप इस तरह से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो इन्होंने ये पार्टीशन बना के दिखाया, एक पार्टीशन ये अलग है, डैब के अंदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्राम, डैब के अंदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्स, डॉक्स अलग पार्टीशन है, प्रोग्राम का अलग पार्टीशन, इनको माउंट कर रखा है, पार्टीशन बना रखे हैं, पार्टीशन को माउंट कर रखा है अलग अलग पार्टीशन के अंदर यूनिट्स। उसी तरह से ये क्या बना दिया इन्होंने, मिरर बना दिया इसका, उन्होंने क्या लिया, डेटा लिया, डेटा लिया और क्या बना दिया इसका, मिरर पार्टीशन, इस तरह से बन गया आपका, ये सिंपल सिंपल बना के दिखा इसमें, ठीक है। तो ऐसे पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है, कैसे बनाते हैं इसमें हम, ऐसे बनते हैं, देखो इसमें बताऊंगा अभी यही चीज को, पहले मैं ऐप डिस्क से बताऊंगा आपको, फिर बाद में कल हम जो पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब देखिए एक छोटा सा पहले काम कर लूं मैं ना, पहले इसको फॉर्मेट कर देता हूँ पूरा का पूरा, अगे चलो अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद पार्टीशन करते हैं इसमें। तो देखिए SSH करो और रूट से आ जाओ सर्वर एक के अंदर, आगे हम LSBL के करो, क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, BDB, BDC, अभी देखिए मेरे पास कोई पार्टीशन नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। अब मुझे LVM बनाना है, तो LVM के लिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसका पूरा पाथ लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद क्या करोगे इसको आप, क्रिएट अ पार्टीशन। मैं देखिए 2 पार्टीशन बनाऊंगा, कितने बनाऊंगा मैं, 2 पार्टीशन। अब इनको क्या करोगे, LVM के रॉ पार्टीशन में क्या करूंगा, पहले मैं इनको कन्वर्ट करूंगा, मतलब रॉ का मतलब जस्ट उसको कन्वर्ट करके ई में कन्वर्ट करोगे, ये हो गया आपका रॉ पार्टीशन बन गया। उसके बाद क्या बनाओगे, फिजिकल वॉल्यूम बनाओगे इसका, फिजिकल वॉल्यूम को जितने मेरे पास 2 PB होंगे, जितने PBs होंगे उन सबको क्या करोगे, एक VG में ऐड कर लोगे, VG के ऐड करोगे, VG के अंदर क्या बनाओगे, LV में 2 बनाऊंगा। LV बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेम वही फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट करके क्या करोगे आप, उसको माउंट करोगे, और माउंट करके क्या करोगे आप, उसको यूज करोगे। ये पूरा कंसेप्ट है इसमें, करें एक्टिस करो स्लैश डेव। देखो मैं चाहूँ तो पूरी पूरी डिस्क कर सकता हूँ, बी कर देता हूँ पूरा, इसको मैं क्या कर दूंगा, यूज कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा अभी नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। आप इसमें क्या करोगे, एम प्रेस करोगे, और मैंने इसमें क्या किया, पी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, प्लस करके 2 GB दे दिया। अब फिर क्या करो, एन करो, अगेन एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, और यहाँ पे मैंने 1 GB दे दिया, तो कितना हो गया टोटल। सर इसलिए अभी आपने जो किया, जैसे सर पार्टीशन नंबर 1 डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, देखो यहाँ पे था आपका, दोबारा देखो, एन प्रेस किया, एंटर एंटर एंटर, कितना कर दिया, जस्ट एंटर किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस 1 करके क्या कर दिया था, 1 GB बन गया। ठीक करो, कितना बन गया आपके, 2 पार्टीशन बन गया। बट अभी पार्टीशन बने हैं, ये सबके सब बेसिक हैं आपके, लिनक्स पार्टीशन है आपके, मुझे लिनक्स पार्टीशन यूज नहीं करना, सो आई वांट टू कन्वर्ट दिस। अब मुझे पता है एक नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल कैपिटल में किया, कोड के लिए क्या कह रहा है, चलो एक बार दोबारा करते हैं, इसमें टी एंटर प्रेस किया आपने, और जस्ट आपने क्या किया, एल प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ठीक है। अब मैंने इसमें 8E किया, कन्वर्ट हो गया आपका पहला पार्टीशन, चेक कर लो, पता है इसने क्या किया, इसकी आईडी हटा दी, राइट करेंगे तब होगा शायद, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टी करो, टी करके एक नंबर प्रेस करो,
एक नंबर प्रेस करके आपको एक ई करना है इसमें, एक ई कर रहा हूं, एलवी में हो गया कन्वर्ट। चलो एमटी का क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया आपका? कुछ नहीं किया मैंने, बस एक पहले एल किया था, वो कह रहा कि पहले लिस्ट करो, लिस्ट करने के बाद ही उसको वो करने दिया मुझे उसने एलवी। ठीक है इतना हो गया, पी कर लो, ये देखिए आपका। अभी मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ जाऊंगा तो सब हट जाएगा आपका, ठीक है ना? तो मुझे इसको सेव कर देना है, सेव करके ये बन गया। पार्ट प्रोब कर दो पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए, स्लैश डैब और वीडीबी, ये अपडेट हो गया। कितना हो गया, अब देखो कितना काम हो गया आपके यहाँ, देखो चेक करो कितना काम किया मैंने इसमें। देखिए ये बन गया आपके दो पार्टीशन, क्या करते हैं मैंने इसको रॉ, क्या बनाओगे इसमें पीबी, तो लिखो पीबी क्रिएट स्लैश डैब और डैब के अंदर वीडीबी, कौन सा पार्टीशन इसमें देखो मेरे पास दो, से क्या लो मैं चाहता तो यहीं पे क्या कर लेता, दूसरा पार्टीशन का नाम देता, बस जस्ट आपको समझाने के लिए। दो बन गए पीबी, पीबीएस करो, पहले एक दिखा रहा था कितने हो गए आपके, दो हो गए। ये फिजिकल वॉल्यूम है, आपको वीजी में ऐड करने के लिए पीबी चाहिए, पार्टीशन नहीं चाहिए, पीबी है आपके पार्टीशन, ये फिजिकल वॉल्यूम जस्ट एक डिस्क की तरह ट्रीट करेगा आपका। वीजी क्रिएट करो, वीजी का नाम वीजी जीरो कर दिया सपोज मैंने इसका नाम, क्या क्या ऐड करना चाहते उसमें, पहला पार्टीशन, पहला पीबी, दूसरा पीबी, दोनों के नाम दे दो। अगर आप नाम को इस तरह से लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, वन डॉट डॉट टू, दो ही तो है मेरे पास, तो भी ले लेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वन और दूसरा क्या है आपका टू, ये हो गया। वीजीएस करो आपको दिखा देगा, दो पीबी आपने ऐड कर लिए इसमें, साइज कितना आपके पास, तीन जीबी हो गया, ये साइज हो गया आपका। अब इसके अंदर एल बी क्रिएट करोगे, हाइफन एल का मतलब लेंथ, कैपिटल में दोगे एल, मैंने कहा कि एक बना दो दो जीबी का पार्टीशन, तो टू जी इसका कितना पार्टीशन, दो जीबी का पार्टीशन आपको बनाना है, लेंथ होगी, कहाँ से बनाना है, वी जी जीरो से बनाना है। हाइफन एल नेम क्या देना चाहते हो उसका, मैंने कहा एल बी जीरो वन पहला पार्टीशन है, तो आप जिस तरह से नाम रखना चाहो, पहले आपको ये नाम रखना है ये रख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इतना हो जाएगा, नाम इसका ये हो जाएगा, इसमें से बनाओगे बाद में दे दो वी जी जीरो से, वो आपको डिपेंड करता है। एल बी क्या होगा, क्रिएट हो गया आपका, एल बी एस करिए आप, इसमें दिखा रहा है आपका एल बी डिस्प्ले करो, अगर आपको लेंथ ही में देखना है आपको, तो नाम क्या है इसका, डैब, डैब के अंदर वी जी जीरो से अंदर से एल बी जीरो बन गया, नाम क्या है इसका, ये है। देखो मैंने बताया था आपका वी जी डिस्प्ले करो, बाई डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर पी का साइज कितना होता है, टोटल पी कितने इसमें देखिए, टोटल पी कितने है? ये इसमें से एलोकेट कितने हो चुके हैं, 512, कितने बच्चे हैं आपके पास, कितने बच्चे हैं ये बोलो या ये बोलो, कितना स्पेस बचा है। अगर हम एम बी एम बोलेंगे तो इतना स्पेस है, अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास कितने पी बचे हैं, तो टोटल पी इसने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब ये तो बन गया, अब वही सेम कंसेप्ट एम के स्वैप, सॉरी एम के एफ एस फॉर्मेट कर लो, स्लैश ई एक्स टी फोर, इसको फॉर्मेट करना है, यहां से कॉपी करो पेस्ट कर दो, हो गया एल एस बी एल के, कॉपी करो पेस्ट करो, नहीं बी एल के आई डी, सॉरी बी एल के आई डी, क्योंकि मुझे क्या थी इसका ब्लॉक आई डी चाहिए, बी एल के आई डी दिख रहा है, यहाँ से कॉपी करो इसको, विन करो स्लैश ई टी सी करो, एफ एस टैप करो, यहाँ पे आए शिफ्ट करके जी ओ प्रेस करो, शिफ्ट करके इंसर्ट करो, अच्छा इसमें एक छोटा सा गलत हो गया,
ये मैंने यहाँ से कॉपी नहीं कर पाया, मुझे यहाँ से कॉपी करना था एक्चुअली में। शिफ्ट करके वो प्रेस करो, शिफ्ट करके इंसर्ट करना है आपका। अब देखो स्लैश LB01, मैंने अभी फोल्डर बनाया नहीं एक्चुअल में, ये बना हुआ मैं अभी, ठीक है। उसके बाद EXT4 दिया था मैंने आप पर, डिफॉल्ट का डिफॉल्ट लिख लिया और जीरो स्पेस जीरो, ये सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। MKDIR/LB01 नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, माउंट कर लो /LB01 माउंट हो गया DF-H करके, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है, उस पूछना बताइए, रिबूट करके और दिखा दो मैं आपको। वो बता दीजिए बस कि लॉजिकल वॉल्यूम बनते क्यों है, इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, एलबीएम में क्या बनते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम, इसको एलबी बोल देते हैं शॉर्ट में। एलबी कहां से बनते हैं, वीजी से, और वीजी कहां से बनता है, पीबी से, और पीबी कहां से बनता है, एसडीडी से। ये कंसेप्ट होता है। पहले हार्ड डिस्क में पीवी क्या बनाओगे, पहले पीवी बनाओगे हार्ड डिस्क के अंदर, पार्टीशन का क्या बनाओगे, पूरा पूरा पीवी, पीबी को वीजी में क्या करोगे, ऐड करोगे, स्पेस हो जाएगा, स्पेस में से क्या कर दो, लॉजिकल वॉल्यूम बना दो, ठीक है सर, ठीक है जी। अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो बता पहले किसी को भी। नहीं सर, ऑल गुड। अब आपने ये नहीं पूछा, चलो इसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे। सर इसका साइज है, मुझे इंक्रीज करना हुआ तो मैं आपको साइज को इंक्रीज करके दिखा दो पहले। हाँ सर वही तो बोल रहा था, अभी मैं दिखा रहा हूँ रीसाइज। एलबी क्या करना, मुझे रीसाइज कमांड, वैसे एलबी एक्सटर्नल कमांड भी होती है, मैं पहले आपको इससे बताता हूँ। हाइपन आर का मतलब रीसाइज टू एफएस अपने आप यूज कर लो, हाइपन बी का मतलब वर्बोज मोड यूज कर लेना आप, मुझे देखे किसको एक्सटर्न करना है, मुझे लिखना नहीं है, रटना नहीं सारी चीजों को। डैब, डैब के अंदर मैंने जैसे प्रेस किया टैब अपने आप आ गया, इसको मुझे इंक्रीज करना है। लेंथ कितना डिफाइन करना चाहते हो, हाइपन एल, मैंने कहा प्लस, मुझे इसमें 200 MB और इंक्रीज करना है, कितना, चलो 500 कर लेते हैं, मेरे पास इतना तो है स्पेस। कितना स्पेस है आपको पता नहीं, तो पहले कंट्रोल सी करो, वीजीएस कर देखो कितना स्पेस है मेरे पास, इतना ही कर सकते हैं स्पेस इंक्रीज। अगर नहीं है तो क्या करो, दूसरी हेड से लगाओ, पार्टीशन बनाओ, पीवी बनाओ, इसमें ऐड कर लो, पार्टीशन क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पार्टीशन को यहाँ पे कॉपी करना है, लेंथ मैंने इसमें डिफाइन किया, कितना कर दिया मैंने एम, इतना एम बी इंक्रीज हो गया, तो देखिए आपके इंक्रीज हो गया। एलबीएस करो, साइज कितना हो गया, 2.49 हो गया। अब डीएफ हाइफन एच करो, साइज कितना हो गया इसका, इसको मैं कम करना है मुझे, ये कम भी हो जाएगा आपका, मैंने वन कर दिया, 1500 श्रिंक करना है, आपने कहा था श्रिंक करो सर इसको। तो श्रिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें केबल माइनस लगाना है आपका, बट श्रिंक करने के लिए पहले अनमाउंट करना पड़ता है, और ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते, ऑफलाइन में जाना पड़ेगा आपको। पहले से क्या करें, हटाएगा पूरा, दोबारा से फिर लेके आएगा उसको, माउंट भी करेगा उसको, ये कैपिटल में वाई प्रेस करना पड़ेगा। एलबीएस करो, आप कितना साइज रहेगा इसका, एलबीएस करो 1.02, मतलब आपका चला जाएगा। इसलिए इन्होंने जो XFS फाइल सिस्टम है आपका, XFS के अंदर श्रिंक का ऑप्शन हटा दिया, सपोर्ट नहीं करता केवल, अभी मैंने EXT4 के इसलिए वो आपका सपोर्ट
कर रहा है, वरना कह रहा है कि अनसपोर्टेड बताएगा आपका। श्रिंक का ऑप्शन दिया, प्लस कर सकते हो, माइनस नहीं किया, नए वाले में हटा दिया इसको, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। तो देखिए मैंने अभी इतना किया, बट एक्चुअल में इसने क्या किया बैकग्राउंड में, ये चीज आपको बस देखनी है। तो देखो इसने यहाँ से चलाया मैंने कमांड, तो पहले इसने चेक किया एफ एस ए डी एम कमांड यूज किया अपने आप, आर का मतलब रीसाइज टू एफ एस अपने आप यूज कर रही है, बी का मतलब बर्बोज मोड में दिखा रहा है, एल का मतलब जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं एल बी एक्सटेंड एल बी श्रिंक पता होगा आपको, ठीक है। तो देखिए बर्बोज मोड में इसने चेक किया पहले, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, स्किप किया इसने पूरा, ये पूरा यहाँ पे आ गया फेल, कुछ बता रहा है आपका यहाँ पे। इसने फाइल सिस्टम लोड किया, डिवाइस का यहाँ पे सब कुछ चेक किया, ये देखो ये वाली कमांड, ये कुछ नहीं करने देगा आप, ये दो मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। देख रहा है रीसाइज टू एफएस कमांड अपने यूज कर ली, जब हम एल बी एक्सटेंड करते तो ये कमांड आपको यूज करनी पड़ती मैनुअली वहां पे, जब भी आप एक्सटेंड करोगे तो एफ एस सी के ये सब देखो यूज कर दिया इसने, कितना यूज किया कितना एक्सटेंड किया, फिर उसने माउंट किया, पहले उसने क्या किया यहाँ पे देखो अनमाउंट किया, बाद में इसको माउंट भी किया हुआ देखो यहाँ नीचे रीसाइज हो चुका है, क्रिएटिंग हो चुका है, और ऊपर देखो कहीं लिखा होगा माउंटिंग रीमाउंटिंग, दोबारा से उसने क्या किया इसको रीमाउंटिंग किया और कहाँ पर इसको फिर से माउंट कर दिया, ये हमें मैनुअली करना पड़ता था पहले। तो ये कमांड क्या करती, ये कमांड ऐसे ही कि एल बी एक्सटेंड करोगे यहाँ पर भी ऑप्शन आता है आपका, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, देखो दिखा रहा हूँ आपको आइकन आइकन हेल्प करो आप, ये दिख रहा है आपका इसमें वी का मतलब वर्बोज मोड यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो आर लिखा हो कहीं ना कहीं आपका, आर का मतलब क्या है ये अपने आप यूज करेंगे, यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं चाहो तो, इसकी कमांड को हाँ देना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा आपको इसे। तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं आपके, जो ऑप्शन आप इसमें यूज करना चाहो वो आप इसमें यूज। तो ये था आपका इसी चीज को वॉल्यूम को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब हम कल इसी चीज को एक बार पार्टेड से पूरा करके देखेंगे, इसको श्रिंक करना एक्सटेंड करना ये सारा चीज रहेगा हमारा, ठीक है। चलो आज फिर हम इतना ही करेंगे इसमें, अभी एक छोटा सा काम कर लो, या इस मशीन को या इस मशीन को यूज करके जितना मैंने अभी तक बताया पार्टीशन का एक बार यूज कर लो मेरे सामने, अभी हमारे पास 30-35 मिनट है, ठीक है। चलो तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है अभिषेक। ओके सर, चलो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ अब, बस ऑफलाइन में जैसे कि थोड़ा प्रैक्टिस है तो 10-15 मिनट प्रैक्टिस करके उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके चलो ठीक।